काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? दो दिन हो गए। दो दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। चला जाओ दे, जाओ दे। ए, तुम चलो। ए बगा, इकड़े बगा जाऊँ। तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके बैग में बम है। ये साला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसने देश के तमाम मासूम बच्चों और औरतों की हत्या की है। He's a damn terrorist. गाड़ी चालू करो और चुपचाप फॉलो करो उसे। कॉलेज का गेट असल तर प्रॉब्लम है ना, गेट अस नसल तर। अमिताभ बच्चन का होगा कैमियो? क्या कैटरीना ने किया अमिताभ का कैमियो के लिए रिक्वेस्ट? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सुशी आपका स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा चैनल बॉल जैट स्टूडियोज में। अक्षय कुमार की झोली में हमेशा की तरह इस बार भी प्रोजेक्ट्स की ही लाइन लगी हुई है। यानी कि राम सेतु से फ्री होने के बाद अब ये बिजी है अपनी फिल्म सूर्यवंशी 2 की मेकिंग स्टार्ट करने में। दिसंबर 2021 में रिलीज हुई सूर्यवंशी ने खास तो नहीं पर दर्शकों को पसंद आने वाली परफॉर्मेंस दी थी, पर अब इसके रीमेक को लेकर वापस आ रहे हैं मेकर्स, जिसमें कि हमें एक बार फिर से कैटरीना और अक्षय की जोड़ी दिखेगी। फिल्म सूर्यवंशी 2 को एक बार फिर से डायरेक्ट करेंगे रोहित शेट्टी और साथ ही साथ इसमें और भी फन एलिमेंट्स की उम्मीद कर सकती है ऑडियंस। फिल्म सूर्यवंशी 2 को और धमाकेदार बनाने के लिए मेकर्स अलग अलग टेक्निक्स अपनाने के मूड में हैं, जिसमें से एक है काफी ऑब्वियस, जो कि है किसी बड़े स्टार का केमी। जी हाँ, फिल्म को एक्स्ट्रा तड़का देने के लिए काफी मेकर्स ये टेक्निक्स अपनाते हैं और इस बार फिल्म में बड़ा और ग्रैंड केमी होने वाला है अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, सूर्यवंशी 2 में बिग बी स्क्रीन शेयर करते हुए दिख सकते हैं अक्षय कुमार के साथ, जिस खबर के बाद दोनों ही एक्टर्स के फैंस काफी एक्साइटेड हैं दोनों को एक साथ देखने के लिए। फिल्म सूर्यवंशी 2 को स्पेशल और धमाकेदार बनाने के लिए मेकर्स कुछ सोच ही रहे थे कि वहीं कैटरीना ने एक सजेशन दिया, जो कि है अमिताभ बच्चन का कैमियो। कैटरीना काफी बार अमिताभ के साथ काम करने की इच्छा जता चुकी है और लगता है कि इस बार उनकी विश पूरी हो ही गई है। और खबरें आ रही हैं कि मेकर्स ने अप्रोच किया है अमिताभ बच्चन को। अब देखना ये है कि क्या वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी इस दिवाली फिर से सिनेमाघरों को गुलजार कर रही है। पहले दिन की बंपर कमाई के बाद रोहित शेट्टी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। दिवाली की लंबी छुट्टियों का फायदा फिल्म को मिलता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को फिल्म ने 26 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। वहीं अब फिल्म के दूसरे दिन की कमाई भी जबरदस्त है। सूर्यवंशी की रिलीज डेट सामने आने के बाद से फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ था। फिल्म को लेकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। फिल्म को लेकर जहां मेकर्स को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, वहीं मुंबई और छोटे शहरों में भी फिल्म को लेकर क्रेज देखा जा रहा है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म ने 24 करोड़ से ज्यादा की कमाई की दूसरे दिन। अक्षय और कैटरीना की फिल्म ने पहले दिन 26.29 करोड़ का कलेक्शन किया। हालांकि दूसरे दिन की कमाई में हल्की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन रविवार को फिल्म के और अच्छा बिजनेस करने की उम्मीद है। दो दिनों के कलेक्शन के मुताबिक अब तक फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आज रविवार है, इसलिए ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आज भी फिल्म अच्छी कमाई कर लेगी। आमतौर पर देखा जाता है कि लक्ष्मी पूजन के बाद फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा हर बार होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है अक्षय कुमार के साथ। हालांकि छोटी सी गिरावट तो देखी गई, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं कि उसे गिना जाए, क्योंकि फिल्म अच्छी पकड़ बना रही है। अच्छी बात यह है कि कोरोना के कारण इतनी लंबी खामोशी के बाद जनता इतनी बड़ी संख्या में लोग सिनेमाघरों में लौट रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगर हर राज्य में सिनेमाघर पूरी क्षमता के साथ खोले जाएं, तो फिल्म का कलेक्शन और भी ज़बरदस्त होगा। आपको बता दें कि सूर्यवंशी भारत में करीब 5,000 स्क्रीन से ज़्यादा पर रिलीज़ हुई है।
विदेश में से 1300 स्क्रीन मिले हैं। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय और कैटरीना के अलावा रणवीर सिंह, अजय देवगन कैमियो रोल में हैं। वही फिल्म में गुलशन ग्रोवर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह, जावेद जाफरी जैसे कलाकार हैं। सूर्यवंशी को रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ मरे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ, दे ए तुम चलो, ए बगा टिकट बगा जाओ। तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके बैग में बॉम्ब है। ये साला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसने देश के तमाम मासूम बच्चों और औरतों की हत्या की है। He's a damn terrorist. गाड़ी चालू करो और चुपचाप फॉलो करो उसे। नॉलेज का गेट असल तक प्रॉब्लम है ना, गेट अप नसल तक। आप देख रहे हैं मल्टी ग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार इस वक्त अपनी कई फिल्मों को लेकर बिजी है। हाल ही में ऐलान हुआ कि उनकी फिल्में अब थिएटर में रिलीज होने को तैयार है। इसी कड़ी में सबसे पहले सूर्यवंशी का नाम सामने आया। आपको बता दें कि सूर्यवंशी की रिलीज डेट का ऐलान करते ही अक्षय कुमार ने एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें रणवीर सिंह और अजय देवगन नजर आ रहे थे। इस तस्वीर को देखकर एक IPS ऑफिसर ने कमेंट कर डाला, उनको इस तस्वीर में कुछ ऐसा गलत लगा जो कि शायद अक्षय कुमार को पता ही नहीं था। अक्षय कुमार ने हालांकि उनको जवाब दिया है। अक्षय कुमार ने एक पोस्ट किया था और लिखा था, कई सारे परिवार आज उद्धव ठाकरे जी को धन्यवाद दे रहे होंगे। उन्होंने महाराष्ट्र में फिर से 22 अक्टूबर से सिनेमा घर खोलने की इजाजत दे दी। अब किसी के रोके नहीं रुकेगी, आ रही है पुलिस। इस तस्वीर में अक्षय कुमार और अजय देवगन खड़े हैं जबकि रणवीर सिंह बैठे हुए हैं। इस पर मजाकिया अंदाज में IPS ऑफिसर RK विज ने लिखा, इंस्पेक्टर साहेब बैठे हैं तनकर और SP साहेब खड़े हैं, ऐसा नहीं होता जनाब। इसके साथ उन्होंने मुस्कुराने वाली स्माइली बनाई। इस पर अक्षय कुमार ने जवाब दिया है, उन्होंने लिखा, जनाब ये तो बिहाइंड द सीन फोटो है, हम कलाकार लोगों के लिए जैसे ही कैमरा ऑन हुआ एकदम प्रोटोकॉल वापस। पुलिस फोर्स का हमेशा से आभारी हूँ। आशा करता हूँ कि रिलीज के बाद आप सभी को फिल्म पसंद आएगी। अक्षय कुमार के इस बयान के बाद लगातार फैंस के कॉमेंट सामने आ रहे हैं, इस पर वो रिएक्ट कर रहे हैं। अक्षय कुमार इस वक्त कई शानदार फिल्मों को लेकर बिजी है जिसमें सूर्यवंशी, पृथ्वीराज, बच्चन पांडे और राम सेतु जैसी फिल्में शामिल है। इसके अलावा भी वो कई प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं जिनका ऐलान अभी होना बाकी है। अक्षय कुमार वो सितारे हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, काम के साथ साथ अपनी फिटनेस को लेकर भी चर्चाओं में रहते हैं और अब सूर्यवंशी से वो धमाका मचाने को तैयार है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि आ रही है पुलिस। कब रिलीज होगी अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, किस दिन, इस बात का पता चलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। सूर्यवंशी की रिलीज डेट को लेकर अभी भी फैंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हालांकि तय माना जा रहा है कि फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज हो जाएगी। दूसरी तरफ फैंस लगातार सोशल मीडिया पर फिल्म को होली पर रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। अब सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाने वाला है दोस्तों, और डेट है 9 फरवरी। जी हां, 9 फरवरी को सूर्यवंशी का रिलीज डेट का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो की जाएगी फिल्म की एक जबरदस्त झलक के साथ। अब दोस्तों ये जो झलक है वो नया प्रोमो होगा या फिर नया ट्रेलर होगा, फिलहाल इस बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं फैंस चाहते हैं कि अब तो अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के टेक्स्ट पे बरसा पानी की एक झलक मिल ही जाए। जो भी है वो 9 फरवरी को पता चलने वाला है। अक्षय कुमार का जो लकी डेट है, लकी नंबर है, उसे भी 9 माना जाता है, इसीलिए 9 तारीख को वो कुछ धमाका करने वाले हैं। ऐसे में फैंस को बस कुछ ही दिन का इंतजार करना है सूर्यवंशी की ग्रैंड अनाउंसमेंट के लिए। रोहित शेट्टी की पूरी टीम
इस अनाउंसमेंट की तैयारियों में जुट चुकी है। सूर्यवंशी विशुद्ध मसाला फिल्म है, ऐसे में इस फिल्म से ब्लॉकबस्टर से कम कुछ उम्मीदें नहीं की जा सकती। वैसे भी रोहित शेट्टी कभी अपने दर्शकों को नाराज नहीं करते हैं। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस से थिएटर मालिकों के साथ बॉलीवुड को भी काफी फायदा होने वाला है। सूर्यवंशी थिएटर तक अपने दर्शकों को खींच ही लाएगी। वहीं दोस्तों, इस फिल्म का इंतजार फैंस 2018 से कर रहे हैं, जब उन्होंने रणवीर सिंह की सिम्बा में अक्षय कुमार की झलक देखी थी। रोहित शेट्टी ने अपने नए हीरो वीर प्रताप सूर्यवंशी को दर्शकों से तभी मिलवा दिया था, और अक्षय कुमार इस समय बॉक्स ऑफिस किंग भी है। रोहित शेट्टी का कोई भी सट्टा आज तक बॉक्स ऑफिस पर फेल नहीं हुआ है। ऐसे में ये दोनों पर्दे पर धमाका करेंगे ये तो तय है, पर ये धमाका कितने करोड़ का होगा बस इसकी गिनती करनी बाकी है। हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई तमिल फिल्म मास्टर की ताबड़तोड़ कमाई के साथ थोड़ी सी राहत मिली है मेकर्स को। फिल्म ने 50% ऑक्यूपेंसी पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया, लोगों की जमकर तारीफें बटोरी और साथ ही अच्छी खासी कमाई भी की। ऐसे में तसल्ली मिल चुकी है कि दर्शक सिनेमा घरों को लौट रहे हैं। इस फिल्म में रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की एक झलक देखी जाएगी। आगे चलकर सिम्बा, सिंगम, सूर्यवंशी एक साथ बड़े पर्दे पर आएंगे और एक मिशन के साथ आएंगे। दर्शक अभी से ये कयास लगा रहे हैं कि जो ये फिल्म है 3 का तिगड़ा धमाकेदार होगा, यानी कि इसमें आपको सिंगम भी नजर आएंगे, सिम्बा भी नजर आएंगे और अक्षय कुमार तो है ही। अक्षय कुमार के साथ रणवीर सिंह भी बॉक्स ऑफिस स्टार हैं, आपको पता ही है। वहीं अजय देवगन तो 2020 में तानाजी के साथ बॉक्स ऑफिस में सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और सबसे बड़े स्टार 2020 के हैं। ऐसे में इस तिकड़ी का साथ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड काफी दिलचस्प होने की संभावनाएं हैं। फिल्म की ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ देगी फिल्म, और साथ ही फिल्म मार्च 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड के चलते नहीं हो पाई। और जिस तरह से बस इस फिल्म के लिए दिख रहा है तो ये 500 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी। तो अब फैंस को सूर्यवंशी के नए ट्रेलर प्रोमो का इंतजार है दोस्तों। आखिरकार फिल्म की आधिकारिक घोषणा हो जाए तभी तो काउंटडाउन शुरू होगा। तो 9 का इंतजार करते हैं, देखते हैं कौन सी बड़ी अपडेट सामने आती है सूर्यवंशी से जुड़ी हुई। आपको कितना इंतजार क्या है अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्में और इन फिल्मों की शूटिंग कब से शुरू करने वाले हैं अक्की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुयाल। अक्षय कुमार बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स जिन्हें सबसे ज़्यादा बिजी एक्टर कहा जाता है क्योंकि पूरे साल भर में वो 4 से 5 फिल्में आराम से कर लेते हैं। और अब आप जानते हैं कोविड का दौर है और ऐसे में सभी एक्टर फिल्में करने से बच रहे हैं। जहां राधे के मेकर्स ने कह दिया कि हमें कोई जल्दी नहीं है, वहीं आमिर खान ने भी कह दिया कि लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग हम आराम से करेंगे। ऐसे में अक्षय कुमार भी ऐसे एक्टर हैं जो बैठने वाले तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर बन गए थे जिन्होंने सबसे पहले अनाउंसमेंट की थी कि वो बेल बॉटम की शूटिंग करने वाले हैं इस कोविड दौर में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में और साथ ही कब कब इनकी शूटिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि आपको अक्की की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो दोस्तों, पहले अतरंगी रे की बात करेंगे जिसे आनंद एल रॉय डायरेक्ट कर रहे हैं। और आनंद एल रॉय इससे पहले बहुत सारी फिल्में, जो लेटेस्ट फिल्में हैं उनकी बात करें तो 0 दे चुके हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई लेकिन कहानी अच्छी थी। दूसरे नंबर पर रांझणा, तनु वेड्स मनु रिटर्न, ये सारी ब्रेकिंग फिल्में दे चुके हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर कमाल इन फिल्मों ने किया था। और अब अतरंगी रे आ रही है जिसमें अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष होने वाली है। वहीं आपको बता दें, अतरंगी रे के लिए कहा जा रहा था कि अक्षय कुमार का इसमें गेस्ट अपीयरेंस होगा, 14 दिन का वो शूट करेंगे और उसके लिए ही उन्हें 27 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। फिर बात आई कि 20 दिन का रोल कर रहे हैं, एक टाइम पर बात आई कि 120 करोड़ रुपए अक्षय कुमार इस फिल्म के लिए चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अब आनंद एल रॉय ने खुद ही कंफर्म कर दिया है, उन्होंने प्रेस रिलीज भेज दिया है जिसमें पता चला है कि अक्षय कुमार इस फिल्म के लिए पूरे 1 महीने की शूटिंग करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं अक्षय कुमार 45 से 50 दिन में अपने फिल्मों की शूटिंग कर लेते हैं, और अगर 1 महीने का शूट इस फिल्म के लिए है यानी कि उनका रोल काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो इसका भी सभी को इंतजार रहेगा। वहीं सारा अली खान इसमें डबल रोल में नजर आएंगी और धनुष और अक्षय कुमार दोनों के साथ ही नजर आएंगी।
इसके अलावा आपको बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है जल्द ही, और जो शूटिंग लोकेशन है वो होने वाली है मदुरई, दिल्ली और मुंबई में। जो मदुरई है वहाँ पर धनुष और सारा अली खान ही शूटिंग करेंगे, दिल्ली और मुंबई में अक्षय कुमार शूट करने वाले हैं। और इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू की जाएगी, मिड अक्टूबर में अक्षय कुमार इस फिल्म को ज्वाइन करेंगे। वहीं बेल बॉटम की बात करें तो इसकी भी खबरें आ गई थी कि इसकी जो शूटिंग है जल्द ही अक्षय कुमार उड़ने वाले हैं इस फिल्म के लिए यूके की तरफ, और यहाँ इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी। बेल बॉटम का सभी को बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, और कहा जा रहा है कि बेल बॉटम की शूटिंग 8 अगस्त से शुरू होगी और 8 सितंबर तक होगी। यानी कि बहुत पैक्ड स्केड्यूल रहने वाला है अक्षय कुमार का, क्योंकि इसके बाद कहानी यही खत्म नहीं होती। पृथ्वीराज भी आने वाली है और नवंबर में इस फिल्म की शूटिंग होगी। पृथ्वीराज में अक्षय कुमार पृथ्वीराज के किरदार में नजर आएंगी, रानी सहयोगिता के किरदार में नजर आएंगी मानुषी चिल्लर, और इनकी लव स्टोरी देखने का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो नवंबर में इसकी शूटिंग शुरू होगी, 1.5 महीने की शूटिंग शुरू होगी और YRF इसे प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं इसके बाद बच्चन पांडे भी है जिसको दिसंबर में शूट किया जाएगा। यानी कि अक्षय कुमार पूरे इस साल के एंड तक बहुत कुछ काम करने वाले हैं, और लगभग 4 फिल्में हैं जिनको वो शूट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है अक्षय कुमार का शूटिंग स्केड्यूल और उनकी फिल्मों का। इस कोविड दौर में भी वो शूटिंग शुरू करने वाले हैं, और अक्षय कुमार बहुत एक्टिव एक्टर माने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, इसीलिए बिना वक्त गवाए उन्होंने एक बार फिर से अपना काम शुरू कर लिया है। इस खबर से आप कितने खुश हैं, और अक्षय कुमार की किस फिल्म का आपको बेसब्री से इंतजार हो रहा है? मुंबई हिंदुस्तान का दिल, और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार से इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बम ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26/11। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अनोखी और 3 एक्शन हीरो का कमाल एक ही मूवी में दिखने वाली फिल्म लेकर। जी हाँ, 3 एक्शन हीरो, ये सुनकर आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा। तो सोचो जब ये मूवी रिलीज होगी तो कितना मजा आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी फिल्म है, इस फिल्म में कौन 3 एक्शन हीरो नजर आएंगे, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसे धमाल मचाएगी। लेकिन जरूरी सवाल, ये मूवी कब रिलीज होगी? अब इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, पर उससे पहले ये तो जान लीजिए कि ये मूवी कौन सी है। वेल, मेरा नाम है गरिमा तोमर, और मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित, जो कि पुलिस अफसर DCP वीर सूर्यवंशी और उनकी टीम पर आधारित है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी कौन सी है। जी हाँ, आपने सही समझा, ये मूवी सूर्यवंशी है, जिसमें कि 3 एक्शन हीरो खिलाड़ी अक्षय कुमार, बाजीराव अजय देवगन और एनर्जी से भरपूर रणवीर सिंह नजर आएंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें कि सूर्यवंशी, जो कि मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ होते हैं और उनकी टीम फोर्सेस को ज्वाइन करती है, इंस्पेक्टर संग्राम बलेरो और DCP बाजीराव सिंघम के साथ मिलकर मुंबई में हो रहे अटैक को रोकने के लिए और वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए साथ में काम करते हैं। तो इस फिल्म में अक्षय कुमार वीर सूर्यवंशी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, और इस मूवी के लीड रोल में भी वो नजर आएंगे। वो बहुत अरसे के बाद एक पुलिस अफसर का रोल निभाने वाले हैं, जो कि देखना बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। वहीं इसमें दूसरे हीरो, जिन्हें कि हम सब जानते ही हैं सिंघम के रूप में, तो उनका रोल भी यहाँ बाजीराव सिंघम का ही होगा। और यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि इस मूवी में अजय देवगन अपने किरदार को किस तरह निभाते हैं। इसमें जो तीसरे एक्शन हीरो है वो होंगे पिछले साल आई मूवी के हीरो सिम्भा, और इसमें भी उन्हें इंस्पेक्टर सिम्भा का रोल निभाना है। तो ये भी देखना मजेदार होगा कि इस फिल्म में जोश से भरे रणवीर सिंह कैसे सबके होश उड़ाते हैं। ऐसा लगता है कि इस फिल्म में बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है, उससे ज्यादा धमाकेदार उनकी एंट्री होने वाली है। इस फिल्म में इन 3 के अलावा और भी कई रोमांचक कलाकार दिखाई देने वाले हैं, जिनमें से एक है मशहूर अदाकारा कैटरीना कैफ। इसमें वो अक्षय कुमार की पत्नी और डॉक्टर अदिति सूर्यवंशी के रूप में दिखाई देंगी। इस फिल्म में उनका बहुत ही मुख्य किरदार है और वो उसे बखूबी निभाना जानती भी है। इस फिल्म में इनके अलावा कॉमेडियन एक्टर गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, जावेद जाफरी और कई अन्य कलाकार भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस फिल्म का निर्देशन वही कर रहे हैं जिन्होंने कई एक्शन फिल्म्स और पुलिस अफसरों पर आधारित फिल्म सिंघम और सिम्भा बनाई है, जो कि है रोहित शेट्टी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस फिल्म में कितने एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी दिखने वाली है। कुछ महीनों पहले ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें कि ये सभी कलाकार एक मंच पर एक साथ नजर आए थे, जिसमें कि अक्षय कुमार बाइक से स्टंट करते हुए दिखे थे।
साथ ही साथ वहाँ पर इन सब के अलावा करण जौहर भी देखने को मिले और कहा था कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या ये सच है कि इतने सारे अनुभवी कलाकार एक साथ नजर आएंगे? तो हाँ, ये सभी एक साथ इस मूवी में नजर सर्च में आने वाले हैं। इस फिल्म में ये तीनों हीरो ही हेलीकॉप्टर, कार और बाइक से थ्रिलिंग एक्शन करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा। इस फिल्म को फरहाद सामजी ने लिखा है और इसको रोहित शेट्टी निर्देशित कर रहे हैं। साथ ही साथ करण जौहर के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। इस फिल्म का गाना तनिष्क बागची ने कंपोज किया है और इसके गीतकार सबीर अहमद, रश्मि विराग और तनिष्क बागची हैं। इस फिल्म का गाना सुखविंदर सिंह ने गाया है और दूसरा गाना फिल्म मोहरा से लिया गया है, जो कि है टिप टिप बरसा पानी का रीमेक। फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल ही मुंबई और बैंकॉक में पूरी कर ली गई है, तो लास्ट शूटिंग हैदराबाद में होनी थी और वो भी पूरी हो गई है। अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने इस फिल्म की रिलीज को लेकर ये भी कहा था कि ये फिल्म 22 तारीख को रिलीज होगी। कोरोना वायरस की वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, फिर इसको 12 जून को रिलीज करने की बात सामने आई थी, पर तब भी नहीं हो पाई। तो अब दर्शकों के लिए ये एक खुशखबरी है कि इस फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा रहा है। तो आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर और ये स्क्रिप्ट आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दिस स्क्रिप्ट इज रिटन बाय सुष्मिता शर्मा। तो आपका कोई भी सवाल हो किसी फिल्म से रिलेटेड या किसी एक्टर से रिलेटेड, बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अनोखी और तीन एक्शन हीरो का कमाल एक ही मूवी में दिखने वाली फिल्म लेकर। जी हाँ, तीन एक्शन हीरो, ये सुनकर आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा। तो सोचो जब ये मूवी रिलीज होगी तो कितना मजा आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी फिल्म है, इस फिल्म में कौन तीन एक्शन हीरो नजर आएंगे, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसे धमाल मचाएगी, लेकिन जरूरी सवाल, ये मूवी कब रिलीज होगी। अब इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, पर उससे पहले ये तो जान लीजिए कि ये मूवी कौन सी है। वेल, मेरा नाम है गरिमा तोमर और मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित, जो कि पुलिस अफसर डीसीपी वीर सूर्यवंशी और उनकी टीम पर आधारित है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी कौन सी है। जी हाँ, आपने सही समझा, ये मूवी सूर्यवंशी है, जिसमें कि तीन एक्शन हीरो खिलाड़ी अक्षय कुमार, बाजीराव अजय देवगन और एनर्जी से भरपूर रणवीर सिंह नजर आएंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें कि सूर्यवंशी, जो कि मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ होते हैं और उनकी टीम फोर्सेस को ज्वाइन करती है, इंस्पेक्टर संग्राम बलेरो और डीसीपी बाजीराव सिंघम के साथ मिलकर मुंबई में हो रहे अटैक को रोकने के लिए और वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए एक साथ में काम करते हैं। तो इस फिल्म में अक्षय कुमार वीर सूर्यवंशी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे और इस मूवी के लीड रोल में भी वो नजर आएंगे। वो बहुत अरसे के बाद एक पुलिस अफसर का रोल निभाने वाले हैं, जो कि देखना बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। वहीं इसमें दूसरे हीरो, जिन्हें कि हम सब जानते ही हैं सिंघम के रूप में, तो उनका रोल भी यहाँ बाजीराव सिंघम का ही होगा। और यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि इस मूवी में अजय देवगन अपने किरदार को किस तरह निभाते हैं। इसमें जो तीसरे एक्शन हीरो है वो होंगे पिछले साल आई मूवी के हीरो सिम्भा, और इसमें भी उन्हें इंस्पेक्टर सिम्भा का रोल निभाना है। तो ये भी देखना मजेदार होगा कि इस फिल्म में जोश से भरे रणवीर सिंह कैसे सबके होश उड़ाते हैं। ऐसा लगता है कि इस फिल्म में बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है, उससे ज्यादा धमाकेदार उनकी एंट्री होने वाली है। इस फिल्म में इन तीन के अलावा और भी कई रोमांचक कलाकार दिखाई देने वाले हैं, जिनमें से एक है मशहूर अदाकारा कैटरीना कैफ। इसमें वो अक्षय कुमार की पत्नी और डॉक्टर अदिति सूर्यवंशी के रूप में दिखाई देंगी। इस फिल्म में उनका बहुत ही मुख्य किरदार है और वो उसे बखूबी निभाना जानती भी है। इस फिल्म में इनके अलावा कॉमेडियन एक्टर गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, जावेद जाफरी और कई अन्य कलाकार भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है ये तो आप समझ ही गए होंगे, अगर फिर भी नहीं समझे तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस फिल्म का निर्देशन वही कर रहे हैं जिन्होंने कई एक्शन फिल्म्स और पुलिस अफसरों पर आधारित फिल्म सिंघम और सिम्भा बनाई है, जो कि है रोहित शेट्टी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस फिल्म में कितने एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी दिखने वाली है। कुछ महीनों पहले ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें कि ये सभी कलाकार एक मंच पर एक साथ नजर आए थे, जिसमें कि अक्षय कुमार बाइक से स्टंट करते हुए दिखे थे। साथ ही साथ वहां पर इन सब के अलावा करण जौहर भी देखने को मिले और कहा था कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या ये सच है कि इतने सारे अनुभवी कलाकार एक साथ नजर आएंगे? तो हाँ, ये सभी एक साथ इस मूवी में नजर सर्च में आने वाले हैं। इस फिल्म में ये तीनों हीरो ही हेलीकॉप्टर, कार और बाइक से थ्रिलिंग एक्शन करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा। इस फिल्म को फरहाद सामजी ने लिखा है और इसको रोहित शेट्टी निर्देशित कर रहे हैं। साथ ही साथ करण जौहर के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। इस फिल्म का गाना तनिष्क बागची ने कंपोज किया है और इसके
गीतकार सबीर अहमद, रश्मि विराग और तनिष्क बागची हैं। इस फिल्म का गाना सुखविंदर सिंह ने गाया है और दूसरा गाना फिल्म मोहरा से लिया गया है, जो कि है टिप टिप बरसा पानी का रीमेक। फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल ही मुंबई और बैंकॉक में पूरी कर ली गई है, तो लास्ट शूटिंग हैदराबाद में होनी थी और वो भी पूरी हो गई है। अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने इस फिल्म की रिलीज को लेकर ये भी कहा था कि ये फिल्म 22 तारीख को रिलीज होगी। कोरोना वायरस की वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, फिर इसको 12 जून को रिलीज करने की बात सामने आई थी, पर तब भी नहीं हो पाई। तो अब दर्शकों के लिए ये एक खुशखबरी है कि इस फिल्म को इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जा रहा है। तो आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर और ये स्क्रिप्ट आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दिस इज क्या करण जौहर अब नहीं रहे रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी का हिस्सा? क्या विवाद के चलते फिल्म से किए गए बाहर? किस जोड़ी की कमबैक फिल्म होने जा रही है यह फिल्म? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में और आज मैं पलक गुप्ता आपसे एक खास कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ। वह है रोहित शेट्टी निर्देशन और अक्षय कुमार स्टार फिल्म सूर्यवंशी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के समय रिलीज होने को तय हुआ है। इसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह और कैटरीना कैफ मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। माना जा रहा है कि रोहित शेट्टी की फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। खैर, ये तो समय ही बताएगा। गौर करने लायक खबर यह है कि करण जौहर ने इस फिल्म से खुद को किनारे कर लिया है। जी हाँ, करण जौहर इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहे हैं, ऐसी खबरें मार्केट में तेज हैं। अब ये हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर जो करण जौहर को ट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद से उन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर की जगह से हटा दिया गया है। उन्हें लोगों नेपोटिज्म को सहारा देने का जिम्मेदार ठहराते हैं, इसलिए उनको जमकर विरोध हो रहा है। इसके चलते यह खबर है कि रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार ने करण जौहर के नाम हटा दिया है। कारण है कि लगातार ट्रोल किया जा रहा है, शायद यही वजह है कि उन्होंने ट्विटर पर हर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अनफॉलो कर दिया है। अब वो ट्विटर पर सिर्फ 8 लोगों को फॉलो करते हैं। इनमें से एक उनके प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने सच्चाई बताते हुए ट्वीट किया कि करण जौहर के बारे में यह कहा जा रहा था कि सूर्यवंशी फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं रहे, यह खबर झूठी है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इस पर साफ कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि पहले 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन लगते और थिएटर्स पर ताला लगने के कारण यह रिलीज नहीं हो पाई। अजय देवगन और रणवीर सिंह इसमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी हैं और उन्होंने इसे डायरेक्ट किया है। साथ ही इसमें धर्मा प्रोडक्शन और कैप ऑफ गुड फिल्म्स की साझेदारी है। कोविड काल में सिनेमा हॉल के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। रणवीर सिंह की फिल्म 83 की टीम और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी की टीम का दावा है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी, बल्कि फिल्म को सिनेमा हॉल में ही रिलीज किया जाएगा। लेकिन अब वायरस के आगे इनके दावे भी दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। चर्चा यह है कि यह फिल्म फेस्टिव सीजन में रिलीज हो सकती है, साथ ही उन्हें अब बड़े पर्दे के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया जाएगा। चर्चा यह भी है कि अब दोनों फिल्म रिलीज डेट को फेस्टिव सीजन से आगे नहीं खिसका सकते, दिवाली या क्रिसमस तक उन्हें फिल्म को रिलीज करना होगा। प्रोडक्शन हाउस की माने तो अगर सिनेमा हॉल खुलते भी हैं तो वहां फिल्म डिजिटल रिलीज कर सकते हैं। अगर दर्शक सिनेमा हॉल में कोविड के डर से फिल्में देखने नहीं जा सकते या फिर देश के कुछ राज्यों में सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत कम ऑक्यूपेंसी के साथ मिले तो डिजिटल पर रिलीज से काफी फायदा होगा। हालांकि ज्यादा कमाई के लिए कंपनी इन फिल्मों को पे एंड वॉच के सिस्टम से ही रिलीज करने का मन बना रही है, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डिजिटल टिकट्स की कीमत पर ही दर्शक देख पाएंगे। फिलहाल प्रोडक्शन हाउस ने फैसला भविष्य पर छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ अक्षय की दूसरी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को भी दिवाली पर रिलीज करने की योजना है, तो ऐसे में सूर्यवंशी की रिलीज को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस फिल्म न केवल अक्षय कुमार के जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेंगे, बल्कि अक्षय ने ज्यादातर स्टंट खुद ही किए हैं, यानी खिलाड़ी तो अपने ट्रू फॉर्म में है। अक्षय कुमार फिल्म सूर्यवंशी की शुरुआत मुंबई में साल 93 में हुए बम ब्लास्ट के साथ हुई है, जो देखने में दिल दहलाता देगा। इस फिल्म में अक्षय कुमार एंटी टेररिज्म ऑफिसर की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिसमें उनका लुक एक ऑफिसर का होगा। इस लुक के साथ आपको उनका स्टंट भी देखने को मिलेगा। इस फिल्म में एंटी टेरर स्क्वाड के अधिकारी की किरदार निभाने के लिए अक्षय कुमार ने 8 से 9 किलो वजन कम किया था। एक फिल्म के सीन की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार को काफी चोटें आई थी, जिसके चलते शूटिंग बीच में रोक दी गई थी। इस फिल्म में ज्यादातर सीन बैंकॉक, हैदराबाद और मुंबई की लोकेशन पर शूट किए गए हैं। हेलीकॉप्टर सीन के दौरान अक्षय कुमार को बाइक से कूदकर हेलीकॉप्टर पर जाना था और इस सीन को उन्होंने बिना किसी हार्नेस के सपोर्ट के किया था।
इस फिल्म में साल 2002 ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 में हुए धमाकों के विजुअल्स दिखाए गए हैं। ट्रेलर में मुंबई में हुए आतंकी हमलों की वार सीन्स हैं, जो आपके दिल को दहला देंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके अपने व्यूज बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की स्क्रिप्ट लता पनौरा ने लिखी है। मैं आऊंगी आपके पास फिर एक नई कहानी लेके। सूर्यवंशी मूवी में सिंघम की भी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। कैसे अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए शूटिंग के दौरान अपनी जान खतरे में डाली और कैसे अजय देवगन और अक्षय एक सी राह पर चल रहे हैं। रोहित शेट्टी पुलिस के ऊपर अपनी चौथी फिल्म बना रहे हैं और इसमें वो अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस मूवी के साथ ही वो सिंघम 3 पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें कि वो बाकी सिंघम की फिल्मों की तरह ही अजय देवगन को डायरेक्ट करने वाले हैं। अब रोहित के स्टंट्स के प्यार से तो आप वाकिफ होंगे ही, और इसमें तो अक्षय भी हैं, जो कि खुद भी बहुत डेयरिंग है। तो इसके बाद इसमें कैसे स्टंट्स होंगे और क्या इसके एक्शन सीन कुछ खास होंगे, इन सवालों के जवाब के साथ साथ और भी बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा अरोड़ा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल बॉलीवुड राज स्टूडियोज पर। जैसे कि अब तक आपको पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। इस फिल्म को रोहित डायरेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपूर्वा मेहता, करण जौहर, हीरो यश जौहर और अरुणा भाटिया के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस भी करने वाले हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही खबर मिली थी कि इस फिल्म से करण जौहर को प्रोड्यूसर की पोस्ट से हटा दिया गया है, और अब ये बात साफ हो गई है कि वो अब भी इस फिल्म में लगे हुए हैं, और ऐसा क्रू की सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला है। अब अगर इसकी कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार के साथ इसमें कैटरीना कैफ भी हैं। ये दोनों एक्टर्स बहुत समय बाद एक स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। नमस्ते लंदन, तीसमार खान, ब्लू और सिंकिंग चेंज की फिल्मों में साथ काम कर चुके ये कपल वापसी करने वाले हैं। सरप्राइजिंग खबरें भी मिली हैं, जैसे अब कुछ समय पहले पता चला कि इसमें जैकी श्रॉफ भी होंगे। उन्होंने ये बात खुद एक इंटरव्यू में कंफर्म की, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि उन्हें रोहित के पापा के साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया है, अब उनके बेटे के साथ काम करना उनके लिए गर्व की बात है। अब बता दूं कि बस यही कास्टिंग को लेकर एक शॉकिंग खबर नहीं थी, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इस फिल्म में रोहित के यानी कि सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी सिंह पर एक साथ नजर आएंगे, और बहुत टाइम से यहां तक कि सिम्बा मूवी के भी जरिए मेकर्स इस ओर इशारा कर रहे थे, पर अब जाके ये खबर फाइनल हो गई है। अब देखते हैं अक्षय की फिल्मों की चॉइस में आया अचानक से बदलाव। अभी कुछ समय पहले तक अक्षय देशभक्ति से भरपूर और समाज में जागरूकता फैलाने वाली मूवीज में काम कर रहे थे, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा या पैडमैन या फिर गोल्ड और एयरलिफ्ट। इन पिक्चरों में काम करते वक्त उन्होंने इस बात का ध्यान तक रखा था कि उनकी ये फिल्म कम बजट में बनाई जाए, पर रिसेंटली उनकी वो मूवीज जो कि अगले साल रिलीज होने के लिए लाइन में लगी हुई है, देखकर लग ही नहीं रहा कि उन मूवीज में वो ही होंगे। उनकी आने वाली मूवीज लक्ष्मी बॉम्ब, बच्चन पांडे, अक्रम हीरे, बेल बॉटम और हेरा फेरी 4, मतलब अगर छोटे में कहूँ तो ऐसी फिल्मों का कलेक्शन जिसमें हर तरह की कम से कम एक फिल्म होगी। अब उनकी ये चॉइस में चीज देख लग रही है कि वो टाइपकास्ट होने से बचना चाह रहे हैं। अब उनका सफर सुनकर मेरी ही तरह किसी भी बॉलीवुड नर्ड के दिमाग में आएगा अजय देवगन का नाम। अजय ने हाल में कॉमेडी और एक्शन मूवीज करके टाइपकास्ट हो गए थे, इसलिए वो भी अक्षय की तरह इस वक्त बिल्कुल अलग अलग तरह की मूवीज कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि वो दोनों साथ उल्टे किरदारों में टाइपकास्ट हो गए हैं, और अब फाइनली वापसी आते हैं मूवी पर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इस फिल्म में भरपूर एक्शन और स्टंट सीन्स होने वाले हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि रोहित की तो हर फिल्म में एक्शन होता है, तो बता दूं कि ये फिल्म इससे काफी अलग होगी, क्योंकि इसमें अक्षय खतरनाक स्टंट खुद करते नजर आएंगे। ऐसा पता चला है कि उन्होंने स्टंट डबल यूज करने से मना कर दिया है, और स्टंट को एक असलियत देने के लिए इसमें VFX टेक्निक का कम से कम इस्तेमाल हुआ है। अब अगर खतरों के खिलाड़ी शो के दोनों होस्ट मिलकर फिल्म बनाएंगे तो इससे कम की तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। चलिए आज के लिए अलविदा बोलने का समय आ गया है। अगर आपको हमारी किस बड़ी एक्शन फिल्म से क्लैश करेंगी सूर्यवंशी की रिलीज, क्या लक्ष्मी बॉम्ब के फेलियर के बाद अक्षय की ये फिल्म चल पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। जैसा कि आपको पिछली वीडियोस में पता चला होगा कि इस फिल्म को रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही अपूर्वा मेहता, करण जौहर, हीरो यश जौहर, अरुणा भाटिया के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। और इसके स्टार कास्ट में अक्षय के साथ साथ कैटरीना कैफ, रणवीर सिंह, अजय देवगन और जैकी श्रॉफ भी हैं। ये फिल्म पहले 24 मार्च को इसी साल रिलीज होने वाली थी, पर आप भी जानते होंगे कि कोरोना महामारी की वजह से मूवीज का हॉल में रिलीज होना बंद हो गया था।
अब हालात ऐसे हैं कि थिएटर्स खुल गए हैं 15 अक्टूबर से, पर फिल्में ही नहीं है कि वे थिएटर्स चलें। असल में लोग कोरोना से इतना डर गए हैं कि अब भी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही कि वो हॉल्स में जाने का रिस्क लेंगे, वो भी तब जब अब केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। इसलिए इस फिल्म की भी रिलीज को टालकर क्रिसमस पर सेट कर दिया गया था। पर असल में उस वक्त इसके साथ साथ रणवीर सिंह की 83 भी रिलीज होनी थी, तो ऐसी बड़ी अफवाह उड़ी कि 83 के रिलीज को टाल दिया जाएगा क्योंकि ये दोनों बड़ी फिल्में हैं और फिर अगर दोनों बॉक्स ऑफिस में क्लैश कर जाएंगी तो किसी को भी उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा जितना कि अलग अलग रिलीज पर हो सकता है। पर फाइनली इन अफवाहों को शांत करने के लिए 83 के मेकर्स ने बहुत कॉन्फिडेंस से इस बात का दावा किया कि वो लोग 83 के रिलीज डेट नहीं बदलेंगे, ना आगे करेंगे ना पीछे। पर इन स्टेटमेंट के रिवील के बाद ही फिल्म की मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को आगे शिफ्ट कर दिया, वो भी न्यू ईयर तक कर दिया। पर ये भी पता नहीं कि फिल्म के लिए फायदेमंद होगा कि नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसी वीकेंड सलमान खान की धमाकेदार एक्शन फिल्म राधे फिल्म रिलीज होने वाली है, तो अब फिल्म 83 से क्लैश करे चाहे राधे से, बात तो वही हुई। ये भी हो सकता है कि अब सलमान की नई तो क्योंकि वैसी स्टारडम रहे जैसे कि कुछ सालों पहले थी और ना तो एक्टिंग वाली फिल्में होंगी राधे, तो वो हो सकता है कि ये सब देखते हुए मेकर्स ने सोचा होगा कि उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद इसको राधे के साथ ही रिलीज करना होगा। अब बात करते हैं अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म के बारे में। लक्ष्मी बॉम्ब एक ऐसी पिक्चर है जिसके ट्रेलर को देखने से पहले सब शांत और अच्छा था। हमने इस बारे में विस्तार में अपनी लक्ष्मी बॉम्ब के ऊपर बनी वीडियो में डिस्कस किया है कि ये कितनी और किन कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसी हुई है। पर एक बार फिर याद दिलाते हुए ये लव जिहाद के समर्थन करने की, ट्रांस औरतों के खराब प्रतिनिधित्व के और हिंदुत्व धर्म का अपमान करने के आरोपों से जूझ रही है। लोगों का इसके प्रॉब्लम्स इतनी है कि लोग सोशल मीडिया के जरिए इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं। अब इससे सिर्फ फिल्म का ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार की भी इमेज बिल्कुल खराब हो गई है। लोगों का ये बातें पे विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि अक्षय ने इस तरह के फिल्म करने की अपनी सहमति दी कैसे। अक्षय के लिए अपना गुस्सा फैंस ने सोशल मीडिया पर निकालते नजर आ सकते हैं, खासकर ट्विटर पर। इस गुस्से की आग में बस कहीं ऐसा ना हो कि अक्षय की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की भी भस्म हो जाए। जब छपाक जैसी इमोशनल फिल्म बॉक्स ऑफिस में इसलिए फ्लॉप कर सकती है कि अभिनेत्री ने राजनीतिक विचार लोग पसंद नहीं आए थे, तब ये फिल्म भी बहुत बड़े खतरे में है। और ये ही नहीं, बहुत था कि इसको राधे के साथ रिलीज किया जा रहा है। अब वैसे तो अक्के की एक्शन फिल्म तो इसकी फेलियर की बहुत ही कम चांसेस है क्योंकि इनकी एक्शन फिल्में फैंस को बहुत ही पसंद आती है और क्योंकि वो एक्शन सीक्वेंस इस तरह करते हैं कि स्क्रीन पर बिल्कुल नेचुरल लगे। पर अब समय ही बताएगा कि फिल्म के साथ क्या होगा, क्योंकि बहुत परखने के बाद यही समझ आ रहा है कि इस फिल्म के उतने ही कॉन्स हैं जितने की प्रॉस। तो इसलिए अब इनकी बेल बॉटम और इस जैसे फिल्म आने ही देरी है, तो दोबारा फैंस के सामने इनकी इमेज सुधर जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और अब अलविदा बोलने का समय आ गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि हमारी अगली वीडियो में आप किन मूवीज या सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो के हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं पलक गुप्ता आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ और उस कहानी का नाम है सूर्यवंशी। क्या अक्षय कुमार के कोस्टार कार्तिक साहू को कोरोना वायरस में बेचनी पड़ी सब्जियाँ? क्या लॉकडाउन से पहले ही ओडिशा आ गए थे एक्टर? क्या बॉलीवुड में ब्रेक से पहले बॉडीगार्ड के तौर पर भी कर चुके हैं काम? कोरोना वायरस महामारी के कारण कई लोगों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा, न केवल दिहाड़ी मजदूर पर बल्कि महामारी का असर बॉलीवुड के कलाकारों पर भी पड़ा। लॉकडाउन की वजह से सभी टीवी शो और फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। इसके बीच ही अक्षय कुमार की सूर्यवंशी में एक्शन सीन्स करने वाले कार्तिक साहू को भी कोरोना में जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम ना होने के कारण कार्तिक साहू को अपना जीवन यापन करने के लिए सब्जियां तक बेचनी पड़ रही हैं। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के रहने वाले कार्तिक साहू ने बताया कि वह 17 वर्ष की उम्र में ही मुंबई अपना भाग्य आजमाने आ गए थे। बॉलीवुड में ब्रेक मिलने से पहले कार्तिक ने अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े सितारों के बॉडीगार्ड के तौर पर भी काम किया। लॉकडाउन के कुछ दिन पहले ही वह जयपुर में फाइट शूटिंग के बाद ओडिशा वापस आ गए थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम ना होने के कारण एक्टर को परिवार चलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। वह काम की तलाश में भुवनेश्वर भी गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने रसल घर में सब्जियां बेचने का काम शुरू कर दिया। बता दें कि अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी 24 मार्च को ही रिलीज होने वाली थी,
लेकिन लॉकडाउन के कारण फिल्म की रिलीज डेट टली गई। फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार के साथ साथ कैटरीना कैफ, जावेद जाफरे, गुलशन ग्रोवर, कुंदन मिश्रा, अभिमन्यु सिंह, विवान भटेना और सिकंदर खेर अहम भूमिका में नजर आएंगे। इसके साथ ही सूर्यवंशी में अजय देवगन और रणवीर सिंह भी स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगे। हैरानी की बात तो यह है कि सूर्यवंशी की रिलीज से पहले ही इसके डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने कैटरीना कैफ को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। हालांकि कैटरीना कैफ अभी भी रोहित शेट्टी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रही हैं। दरअसल रोहित शेट्टी एक्ट्रेस कैटरीना कैफ पर अपने एक कमेंट को लेकर ट्रोल के निशाने पर आ गए थे। हालांकि रोहित शेट्टी के कमेंट के लिए खुद कैटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम पर सफाई भी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना कैफ ने उनकी सफाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट पे लिखी, जिसमें था, प्यारे दोस्तों, मैं कभी भी किसी मीडिया रिपोर्ट और आर्टिकल पर कमेंट नहीं करती, लेकिन मामले में मेरे ऊपर रोहित सर द्वारा किए गए कमेंट को गलत समझा जा रहा है कि मैं एक शॉट दौरान आंख मारती थी, जिस पर रोहित शेट्टी ने कमेंट किया था कि इस फ्रेम में चार लोग हैं और ब्लास्ट भी हो रहा है, इसलिए कोई आपकी आंख मारने पर ध्यान नहीं देगा। बता दें कि कैटरीना कैफ पहली बार सूर्यवंशी के जरिए रोहित शेट्टी के साथ काम करने जा रही है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के साथ साथ एक्टर अजय देवगन और रणवीर सिंह भी अहम भूमिका में दिखाई देंगे। दूसरी तरफ मूवी को लेकर अक्षय कुमार का कहना है कि सिर्फ धर्म और वो भारतीय होना अक्षय कुमार सूर्यवंशी फिल्म में इसी बात को पेश भी कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने कहा कि सूर्यवंशी दुनिया को किसी एक धर्म के आईने में नहीं दिखाती। वह उन्हें पीटीआई से इंटरव्यू में कहा, मैं किसी धर्म में यकीन नहीं करता, मैं सिर्फ भारतीय होने में यकीन करता हूँ और फिल्म भी इसी बारे में है। फिल्म का विचार भारतीय होना है, ना ही कि एक हिंदू, पारसी या मुस्लिम होना। हमें किसी धर्म के संदर्भ में नहीं देखना है। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट की है। इसमें सिंघम अजय देवगन और सिम्बा रणवीर सिंह भी नजर आएंगे। अक्षय कुमार से यह पूछे जाने पर कि इस समय देश में माहौल ठीक नहीं है और ऐसे में फिल्म और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, इस पर सुपरस्टार कहते हैं, यह एक संयोग है, हमने कुछ ऐसा सोचकर फिल्म नहीं बनाई थी, लेकिन हाँ, मौजूदा समय में यह एक बहुत ही प्रासंगिक फिल्म है। 52 वर्षीय अक्षय कुमार फिल्म एटीएस सफर अफसर वीर सूर्यवंशी का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं, जिसमें मुंबई को आतंकी हमले से बचाना है। अक्षय कुमार कहते हैं, हम फिल्म्स बनाते हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, मैं सिर्फ एक पात्र हूँ। हर फिल्म में अच्छे और बुरे पात्र होते हैं, दर्शक समझदार हो चुके हैं, वह जानते हैं कि उन्हें किस कैरेक्टर से सबक लेना है। रोहित शेट्टी के साथ पहले फिल्म काम करने को लेकर अक्षय कुमार ने कहा, रोहित के साथ काम करना काफी आसान है, मैं 28 साल से उस समय से जानता हूँ जब वह असिस्टेंट हुआ करते थे और आज वह एक जाने पहचाने डायरेक्टर है। हम दोनों की एक्शन और कॉमेडी करना पसंद है। हमने फिल्म क्या है अक्षय कुमार की नई फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट। अक्षय कुमार ने आजकल बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स केस के बारे में क्या कहा है, दिल से क्या निकला है अक्षय कुमार के जो फैंस के दिल तक जाता है, क्या है सूर्यवंशी की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुयाल। बात करेंगे सूर्यवंशी की, लेकिन पहले अक्षय कुमार की इस वीडियो की जो उन्होंने दिल से बातें रखी हैं, बॉलीवुड की दुनिया का सच बताया है और बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो दिल छूने वाली भी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपको बता दें, बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन पिछले कई दिनों से खबरों में बना हुआ है। पहले दीपिका पादुकोण, फिर सारा अली खान, फिर श्रद्धा कपूर जैसे बड़े बड़े सितारे एनसीबी के रडार पर हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में अक्षय कुमार ने इस बात पर रिएक्ट किया है। अक्षय कुमार ने लिखा, बहुत दिनों से मन में कुछ बात थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ, क्या कहूँ, किससे कहूँ, आज सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं। हैशटैग डायरेक्ट दिल से। वीडियो में अक्षय कुमार बोल रहे हैं कि आज थोड़े भारी दिल से आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारी बातें मन में कहने को थी लेकिन हर तरफ इतनी नेगेटिविटी है कि समझ नहीं आता क्या, कितना, किससे बोलूँ। देखिए, स्टार्स भले ही हम कहलाते हैं लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया है। हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, हमने फिल्मों के जरिए हमारे देश के कल्चर, हमारी वैल्यूज़ को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाया।
लगाया है। जब जब हमारे देश की जनता के सेंटिमेंट्स की बात आई, आप लोग जैसे भी महसूस कर रहे थे, इतने सालों से फिल्मों ने उसे दिखाने की पूरी कोशिश की है, चाहे वो एंग्री यंग मैन वाला आक्रोश हो या फिर करप्शन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, हर इशू को सिनेमा ने अपने तरीके से दिखाया है। कितनी बड़ी गहरी बात बोली। इस वक्त बॉलीवुड के लिए हर जगह आक्रोश है और अक्षय कुमार इसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि बॉलीवुड ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, जो हम महसूस करते थे वो दिखाया भी है, और हमारा बहुत गहरा लगाव है बॉलीवुड से, इसीलिए कुछ भी गलत होता है वहाँ पर तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। सुशांत केस में भी अक्षय कुमार ने काफ़ी बातें कहीं। उन्होंने कहा, ऐसे में अगर आज सुशांत केस में जो भी सामने आया है आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो वो गुस्सा भी हमारे शर्माथे। सुशांत सिंह राजपूत के अचानक निधन के बाद से ऐसे बहुत से इश्यूज सामने आए हैं जिन्होंने हमें भी उतना ही दर्द दिया है जितना आप सभी को दिया है। इन मुद्दों ने हमें अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर दिया है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी खामियों को देखने को जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी खामियों को देखने को मजबूर कर दिया है जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे नार्कोटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है। मैं आज दिल पर हाथ रख कर कैसे आप लोगों से झूठ बोल दूं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। ज़रूर करती है, वैसे ही जैसे हर इंडस्ट्री और हर प्रोफेशन में होती होगी, पर हर प्रोफेशन का हर इंसान इसमें इन्वॉल्व्ड हो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में थोड़ी ऐसा ये सब नहीं होता, अक्षय कुमार ने ये कहा, जो कि बहुत बड़ी बात बोली है। अक्षय कुमार कभी अल्कोहल नहीं लेते, पार्टीज में देर तक नहीं रुकते, तो उन्होंने भी सही बात बोली है। आगे अक्षय ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी और कोर्ट इस पर जो भी जाँच करेगी, जो भी एक्शन ले रही है, वो बिल्कुल सही है। और मैं ये भी जानता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का हर इंसान उनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगा, पर प्लीज़ हाथ जोड़कर कहता हूँ, ऐसा तो मत करो ना पूरी इंडस्ट्री को एक ऐसी बदनाम दुनिया जैसी नज़रों के साथ देखने लगे, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, ये गलत है। मुझे पर्सनली हमेशा से मीडिया की ताकत में बहुत विश्वास रहा है, अगर मीडिया सही मुद्दे सही वक्त पर ना उठाए तो शायद बहुत से लोगों की आवाज़ दब जाएगी, और मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना काम, अपनी आवाज़ उठाना जारी रखें, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सेंसिटिवली, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ एक इंसान को बरसों तक इज्जत, काम, कड़ी मेहनत को बर्बाद करके रख देती है। आखिर में लोगों से एक ही मैसेज है, यार आप सभी ने तो हमें बनाया है, आपका विश्वास जाने नहीं देंगे। अगर आपको कोई नाराज़गी है तो हम और मेहनत करेंगे, आपका प्यार विश्वास जीत कर रहेंगे, आप हैं तो हम हैं, बस साथ बनाए रखना। अक्षय कुमार वाकई बहुत दिलों की धड़कन है, खिलाड़ी कुमार इसीलिए कहा जाता है, और वो एक्शन किंग तो है ही, लेकिन जो दिल से बातें करते हैं वही दिलों तक जाती है लोगों के। और अक्षय कुमार ने बहुत बड़ी बड़ी बातें इस वक्त कही है, मीडिया को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं सूर्यवंशी की, जो कि उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म है, और इसका जो रिलीज़ डेट है वो खिसका दिया गया है, क्योंकि अब 50% ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाना है। इस वजह से मेकर्स ने ये ध्यान रखा है कि हम थोड़ा सा खिसका देते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस है उसको वक्त लगेगा। वहीं आपको बता दें, दिसंबर में ये फिल्म रिलीज़ हो सकती है और फिर जनवरी में राधे रिलीज़ होगी, यानी कि क्लैश की संभावनाएँ भी यहाँ पर है। अब आगे जो फिल्म जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे सूर्यवंशी 30 करोड़ की ओपनिंग आप आसानी से ले लेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी स्टार्स इस फिल्म में हैं। आपको सूर्यवंशी का कितना इंतज़ार है? अक्षय कुमार की बातों से आपको क्या लगता है, कितने दिल तक छुई बॉलीवुड में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है हमें नीचे? सूर्यवंशी कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है? सूर्यवंशी का वो कौन सा एक्टर है जिसने 20-20 घंटे काम किया और तनाव से उसके बाल झड़ गए? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज़, मैं हूँ सोनिका जयाल। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के लिए ज़बरदस्त बज़ बना हुआ है। रोहित शेट्टी की इस मेगा बजट फिल्म में अगले साल इसको रिलीज़ किया जाना है, मेगा बजट इसका होने वाला है। फिल्म में अक्षय के अलावा आपको एक ऐसे कलाकार दिखने वाले हैं जिनकी मेहनत जान आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही एक कलाकार हैं विवान भटेना। विवान अक्षय कुमार संग फिल्म सूर्यवंशी में नजर आएंगे। उनके रोल के बारे में तो अभी ज़्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल में आपको दिखने वाले हैं। विवान टीवी और फिल्मों का एक जाना माना चेहरा है आज।
उन्होंने कई साल मेहनत की और लोकप्रियता हासिल की, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी था जब उन्होंने एक दिन में 20-20 घंटे काम किया। सूर्यवंशी के इस एक्टर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को अपने इंटरव्यू में अपने पूरे संघर्ष की कहानी बताई। वो कहते हैं, मेरे डैड के जाने के बाद हमारे सिर पर काफ़ी कर्ज हो गया था। मेरे अकाउंट में सिर्फ 600 रुपये हुआ करते थे। मैंने क्योंकि सास भी कभी बहू में एक्टिंग की थी, काफ़ी मेहनत की लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं मिला। एक्टर के मुताबिक उन्होंने अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखा, जिस वजह से उन्होंने सिर्फ एक साल में ही सारा कर्ज चुका दिया। लेकिन इसके बाद अपने परिवार की देखभाल के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। विवान की माने तो उन्होंने एक दिन में 20 घंटे तक शूटिंग की, वो लगातार काम करते रहे। उन्हें इतना स्ट्रेस हो गया कि उनके बाल तक झड़ गए। वो उस समय तक सिर्फ पैसों के लिए काम करते थे, वो मशीन बन चुके थे, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में ये संघर्ष के दिन चले गए। वो सीरियल में भी काम कर रहे हैं और फिल्मों में भी अपने एक्टिंग का जलवा दिखा रहे हैं। विवान ने आमिर खान से लेकर शाहरुख खान तक जैसे बड़े बड़े सेलेब्स संग काम किया है और कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, तो आज विवान ने कर दिखाया। उसके अलावा आपको बता दें, सूर्यवंशी जिसको मेगा बजट फिल्म माना जा रहा है, इसके बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन की बात करें तो अक्षय कुमार का आजकल भयंकर बज़ बना हुआ है। लक्ष्मी बॉम में उनकी जो एक्टिंग है वो तो कमाल है ही। सूर्यवंशी का जो कलेक्शन हम बता सकते हैं 300 से 500 करोड़ का कलेक्शन ये आसानी से कर लेगी, ये लिख के चलिए। क्या बोला इसके एक्टर विवान भुटेना ने नेपोटिज्म पर, क्योंकि विवान 20 साल से इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर होने की वजह से अब तक वैसा नाम नहीं कमा पाए हैं जितना कि कई और स्टार कमा लेते हैं। किन किन फिल्मों को ना बोला विवान ने इसे हाँ बोलने के बाद। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में पता चला होगा, इस फिल्म को रोहित डायरेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपूर्वा मेहता, करण जौहर, हीरो यश जौहर और अरुणा भाटिया के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस भी करा जा रहा है। और इसके स्टार कास्ट में अक्षय के साथ साथ कटरीना कैफ, रणवीर सिंह, अजय देवगन, विवान भटेना और जैकी श्रॉफ भी है। अब इस कास्ट में हर इंसान का नाम आप अच्छे से जानते होंगे और आप इनके बारे में भी जानते होंगे क्योंकि ये बहुत पॉपुलर स्टार्स हैं बॉलीवुड के। पर एक नाम है जो आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, वो नाम है विवान भटेना का। विवान भटेना ने एक टेलीविजन एक्टर और फिल्म के एक्टर दोनों की तरह काम किया है और भले ही अपने असल नाम से नहीं पर टीवी सीरियल्स के किरदारों को निभाते हुए बहुत ज्यादा फेमस भी रहे हैं। इन्होंने बहुत फेमस सीरियल्स में काम किया है जैसे सास भी कभी बहू थी या मायका या कुमकुम। इसके बाद उन्होंने कुछ बहुत फेमस फिल्मों में भी काम किया है। अरे वो इस इंडस्ट्री में पिछले 23 सालों से, पर फिर भी बहुत ही कम लोग हैं जो कि उन्हें नाम से जानते हैं और वो भी तब तक, अब वो कुछ वेब सीरीज में काम करते हैं। तो अब सूर्यवंशी में कास्ट होने के बाद उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उनको आजकल के चल रहे नेपोटिज्म के हॉट टॉपिक पर क्या ख्याल है, तो उन्होंने बहुत विस्तार से अपने स्ट्रगल की भी कहानी बताई और साथ ही यह भी बताया कि आउटसाइडर को फिल्म इंडस्ट्री में क्यों जल्द नहीं एंट्री करने का मौका मिलता। उन्होंने बताया कि एक ऐसा वक्त था जब उनको एक दिन में 20-20 घंटे शूटिंग करनी पड़ती थी और इसी सब के बावजूद सफलता को वो मुकाम ना पाना जो कि उन्हें चाहिए था, उन्हें इतनी टेंशन होने लगी कि वो उनके बाल भी झड़ने लगे। पर बहुत स्ट्रगल और फेलियर के बाद उन्होंने हीरो फिल्म में विलन की तरह कास्ट करा गया और तब से वो सिर्फ टेलीविजन के ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के भी एक जाने पहचाने चेहरे बनने लगे धीरे धीरे। फिर भी अब तक उन्हें इस तरह की रिकॉग्निशन नहीं मिली है जैसे कि उनकी जगह अगर कोई स्टार किड होता तो उसे मिल सकती थी। तो इस पर उन्होंने बताया कि स्टार किड्स को कास्ट करना फिल्म के मेकर्स इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वे भी अपने फिल्म के सक्सेस की सिक्योरिटी चाहते हैं जो कि स्टार किड्स को कास्ट करने के बाद मिल जाती है। आउटसाइडर्स को ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता फिल्म पर है, उन्हें इस मौके के लिए खुद को किसी नई फिल्म के सक्सेस के जरिए खुद को साबित करना होता है। बस ये सक्सेस है कि मौका मिलना आउटसाइडर के लिए बहुत मुश्किल होता है। जरूरत बस इतनी होती है कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई इनसाइडर इन पर भरोसा करे एक बार के लिए ही भले ही, जैसे कि विवान के लिए सलमान खान ने किया फिल्म हीरो के जरिए। और अब जब इनका नाम हो गया है तो इनके पास अलग अलग फिल्म और प्रोजेक्ट्स और वो भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स का ऑफर आ रहा है। हाल ही में तो उनके पास सारे ऑफर्स थे, उन्होंने उसमें से एक बहुत ही बड़ी फिल्म तक के ऑफर्स को रिजेक्ट करना पड़ा
इनमें इससे पहले लाल सिंह चड्ढा जो कि फॉरेस्ट गम का बहुत ही लॉन्ग अवेटेड रीमेक है तक की ऑफर आया था, पर उन्होंने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि इसके लिए उन्हें स्क्रिप्ट के हिसाब से बाल काटने की जरूरत थी जो कि वो वेब सीरीज में होने के कारण नहीं कर सकते थे। साथ ही इन्होंने सलमान खान स्टीयरिंग राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई के भी ऑफर मिला था और उसके साथ साथ दो बड़े साउथ इंडिया की फिल्मों पर उन्होंने ये तीनों इसलिए रिजेक्ट करने पड़े क्योंकि इनके शूट की डेट्स इस फिल्म की शूट की तारीखों से कलेश कर रही थी। तो कहा जाए तो अब तक उनको ऐसा टेंशन मिल रहा है इंडस्ट्री द्वारा जो कि एक डिजर्व करते हैं। चलिए आज के लिए अलविदा, बोलने का समय आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। सूर्यवंशी के एंड क्रेडिट्स में रोहित शेट्टी अपनी किसी और पुलिस फिल्म जैसे कि सिम्बा 2 की अनाउंसमेंट करेंगे। और दोस्तों अब ये तो आपको सबको पता ही है कि सूर्यवंशी की रिलीज डेट अब दिवाली नहीं है बल्कि पोस्टपोन हो चुकी है। तो क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया है फिल्म मेकर्स ने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो से पता चल गया होगा कि इस फिल्म को रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, साथ ही अपूर्वा मेहता, करण जौहर, हीरो यश जौहर और अरुणा भाटिया के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। और इसके स्टारकास्ट में अक्षय के साथ साथ कैटरीना कैफ, रणवीर सिंह, अजय देवगन, विवान भटेना और जाकी श्रॉफ भी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप अगर उत्तर भारत के वासी हैं तो आपने रोहित शेट्टी की कम से कम एक फिल्म तो जरूर देखी होगी। चाहे आपको उनकी मूवीज पसंद हो या ना हो, पर आपने देखी जरूर होगी उनकी मूवीज कहीं ना कहीं, क्योंकि दोस्तों वो इतनी बड़ी कमर्शियल हिट्स रही हैं और टेलीविजन पर भी आती ही रहती हैं। और इसी से आपको ये भी पता होगा कि जितनी फेमस इनकी फिल्में होती हैं उतनी ही फेमस इन फिल्मों के एड क्रेडिट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत बार इनकी अगली फिल्मों का या तो उन्हीं फिल्मों के सीक्वल का अनाउंसमेंट इन्हीं एड क्रेडिट्स में जरिए किया जाता है। दोस्तों आप गोलमाल की सभी मूवीज के एड क्रेडिट्स देख लीजिए या तो इनके पुलिस यूनिवर्स की फिल्मों के एड क्रेडिट्स देख लीजिए, सबके सब ब्लूपर्स के कंपाइलेशन होते हैं। तो ये गाने होते हैं, पर एक चीज़ तो इनमें ज़रूर खास होती है और वो अगली फिल्मों की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, अब अगर इस फिल्म की भी बात करें तो इसके आने की घोषणा सिम्बा फिल्म के एड क्रेडिट से कर चुके हैं रोहित शेट्टी। वैसे रोहित के इस काम से अच्छा ये होता है कि बाकी फिल्मों की तरह इसके रिलीज के बारे में अफवाहें नहीं फैलती, क्योंकि वो खुद ही कंफर्म कर देते हैं और साथ ही आने वाली फिल्म की अच्छी खासी प्रमोशन भी हो जाती है। तो इन वजह से अपनी सारी फिल्मों में ऐसा ही करते हैं रोहित शेट्टी। तो दोस्तों अभी सवाल ये है कि क्या वो यही चीज़ इस फिल्म के भी एड क्रेडिट्स में करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कैसे अगर इनकी बाकी फिल्मों में चले आए ट्रेंड्स को देखा जाए तो ऐसा वो ज़रूर करेंगे। और ऊपर से जिस तरह इन्होंने सिंगम की फिल्म को एक फ्रेंचाइजी का रूप दे दिया है, उनकी पुलिस यूनिवर्स की बाकी फिल्मों भी बॉक्स ऑफिस पर सफल होती हैं। जी हाँ दोस्तों, और उनको देखकर ऐसा लगता है कि सिम्बा 2 का सीक्वल भी ज़रूर बनेगा और उसको भी रिलीज किया जाएगा। तो ये सारी बातें देखते हुए लगता है कि इस फिल्म के भी अंत में ये ज़रूर किसी फिल्म का कंफर्मेशन देंगे। दोस्तों ये बात तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत विस्तार से की थी कि फिल्म और 83 नामक स्टारिंग फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही पहले क्लैश करने वाली थी, अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इन दोनों की रिलीज डेट अलग अलग हो गई है। जी हाँ दोस्तों, सूर्यवंशी और 83 यानी कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर 83 जो कपिल देव की बायोपिक होने वाली है, वो दोनों फिल्मों की रिलीज डेट अलग हो गई है और अब क्लैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों सूर्यवंशी जहाँ इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली थी, अब इसकी रिलीज डेट अगले साल कर दी गई है। तो पहले तो बहुत लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया, इसलिए ऐसा किया गया ताकि दोनों फिल्मों की कमाई सही तरह से हो पाए और एक दूसरे की कमाई दोनों पर कोई इफेक्ट ना डाले। पर अब जब मेकर्स ने असली वजह बताई है इसको करने की, दोस्तों इसके प्रोड्यूसर्स जो कि रिलायंस एंटरटेनमेंट है उसके जो CEO हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म की रिलीज़ को इसलिए पोस्टपोन किया गया है क्योंकि अभी तक महामारी में कोई शांति नहीं दिख रही है, उल्टा अब यह दोबारा और भी बुरे तरीके से फैलती जा रही है। इसीलिए अलग अलग प्रदेशों में वहाँ के डेथ रेट्स के हिसाब से लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया जा रहा है और इस पूरे चक्कर में सिनेमाघर कब खुलेंगे कब नहीं इसका कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। और दोस्तों ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि इस लॉकडाउन में फिल्मों की प्रमोशन में बहुत बाधा आ रही है। जहाँ साधारण तौर पर एक्टर्स अलग अलग टीवी शोज़ पर जाकर अपनी फिल्में प्रमोट करते थे या फिर मॉल्स और बाकी पब्लिक जगहों पर जाकर इवेंट्स के जरिए अपनी फिल्मों को प्रमोट किया करते थे, इन दोनों ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे प्रदेशों में तो ये लीगल ही नहीं है और अब और जहाँ लीगल है वहाँ सुरक्षित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब
आमिर खान को ही देख लीजिए, कहा तो आजमगढ़ ने लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग वो कर रहे थे, जो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि उन पर चार्ज लगा दिया गया और इस वक्त लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का। जी हाँ दोस्तों, असल में उनकी गलती ये थी कि भीड़ को हटाने के बजाय वो इसी भीड़ का एक हिस्सा बन गए और फैंस के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गए। जी हाँ दोस्तों, जिस कारण उनके ऊपर है ये गहरा रास। इन घरेलू नुस्खों को हमेशा अपनाती हैं अभिनेत्री, आखिर कैटरीना कैफ से क्यों जलती हैं कि आर अडवाणी, खुद बताइए। बात सूर्यवंशी की अभिनेत्री ने रघुलप्रीत सिंह को दिया कौन सा खास तोहफा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम फिल्म सूर्यवंशी से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों की दोस्ती का किस्सा तो आपने कम ही सुना होगा, लेकिन उनके बीच मुकाबले की बात अक्सर सामने आती है। हर कोई चाहता है कि वो आगे रहे और बॉलीवुड में तो हर अभिनेत्री एक से एक खूबसूरत है, लेकिन उनको एक दूसरे से थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। कई बार ये बातें सामने भी आती हैं, कुछ बातें पॉजिटिव तरीके से सामने आती हैं, कुछ नेगेटिव तरीके से विवाद बनकर सामने आती हैं। अभी हाल ही में अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि वो कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण से जेलस महसूस करते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी बात और अभिनेत्री ने ऐसा क्यों कहा, क्यों जलती हैं वो कैटरीना और दीपिका से। आपको बता दें कि बहुत कुछ ऐसी ही है। कबीर सिंह की प्रीति करीना कपूर खान की शो में व्हाट वुमेन वांट्स के एक एपिसोड में गेस्ट बनकर गई थी। उन्होंने वहां पर कुछ फिटनेस टिप्स दिए, अपने खाने पीने की रूटीन के बारे में बताया और अपने लॉकडाउन में बीते समय के बारे में भी बताया। और उस इंटरव्यू में एक सेशन आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण की बॉडी से जलती हैं, वो उनकी हाइट की तारीफ करती हैं और उनकी मेहनत की भी, जो वो लोग अपने शरीर को फिट रखने के लिए करती हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अभिनेत्री काफी खूबसूरत है, जब वो सामने आती है तो इतनी फ्लॉलेस लगती है जो किसी का भी होश उड़ा सकते हैं। और इसके पीछे उनके फिटनेस टिप्स, कसरत और मेकअप तो है ही, जो वो इस तरीके से मैनेज करती हैं। उनके हर लुक्स के लोगों को फैंस तो हो जाते हैं एकदम क्रेजी, लेकिन आपको बता दें कि अभिनेत्री अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए केमिकल ट्रीटमेंट और मेकअप से ज्यादा घरेलू नुस्खों पर भरोसा करती हैं। वो अपनी स्किन को और लुक्स को लेकर काफी ध्यान रखती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे ही नुस्खे बताए हैं जो वो अपने लिए रेगुलर करती हैं और उसका असर तो आप सभी देख सकते हैं। जितना वो मेकअप करना पसंद करती हैं, उतना ही वो अपनी स्किन का ध्यान भी रखती हैं। उन्होंने अपने मेकअप ऐप ब्रांड का भी लॉन्च किया है जिसका नाम है के बॉय कैटरीना। ये तो आप सबको पता होगा कि आइए आपको बताते हैं अभिनेत्री के वो राज जो किसी को भी नहीं पता। वो कहती हैं कि उनकी हनी और ओट मील का फेस पैक काफी पसंद है और वो उसको हमेशा लगाती हैं। अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने सबको ये फेस पैक लगाने की सलाह दी थी और ये भी कहा था कि लोग इंटरनेट पर फेस पैक की रेसिपी देकर अपने स्किन केयर में शामिल करें। और उन्होंने कहा कि उनकी हनी और ओट मील का फेस पैक पसंद है और वो सचमुच काम करता है। उन्होंने सबको ये भी सलाह दी कि मेकअप से पहले सबको अपने फेस साफ कर लेना चाहिए और फिर फेस वॉश का प्रयोग करते हैं और अपने फेस की अच्छी सी क्रीम लगाएं जो उनकी स्किन को सूट करती है। ये काफी जरूरी बातें हैं जो हर कोई कर सकता है जिसको भी उनके जैसी अच्छी स्किन चाहिए। खुद का ध्यान तो रखना जरूरी ही होता है। अभिनेत्रियों के बीच कंपटीशन की खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन उनकी दोस्ती का किस्सा भी काफी मशहूर होता है। कैटरीना और आलिया भट्ट की दोस्ती से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन उनकी बॉलीवुड की एक और नई दोस्ती जिसको उन्होंने खास तोहफा दिया है, आइए आपको बताते हैं कौन है उनकी नई दोस्त और क्या तोहफा दिया है उन्होंने उसको। वो हमेशा ही अपने दोस्तों को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए जानी जाती हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अनुष्का शर्मा को भी तोहफा दिया था और अब उन्होंने रघुलप्रीत सिंह को अपने मेकअप ब्रांड का प्रोडक्ट गिफ्ट किया है। इस बात का पता अभिनेत्री की स्टोरी से लगा था जिसमें रकुल ने कैटरीना और उसके ब्रांड के बॉय कैटरीना को टैग किया था। लेकिन मेकअप तो हर लड़की की ख्वाहिश होती है और अभिनेत्री की स्टोरी से पता लगता है कि कैटरीना का ये तोहफा उनको कितना पसंद आया। अपने फैंस के लिए भी जल्द ही कैटरीना एक बड़ा तोहफा लेकर आ रही हैं और ये तोहफा कुछ और नहीं बल्कि उनकी फिल्म सूर्यवंशी है जिसमें वो लगभग 10 साल बाद अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी। इस जोड़ी का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे, तो ये तो उनके लिए सबसे बेस्ट तोहफा। करण जौहर की फिल्म में होने से सूर्यवंशी को हो सकती है दिक्कतें। क्यों बार बार आई करण का फिल्म का हिस्सा ना होने की खबरें और पहली बार बॉलीवुड का साथ दिखा पावर कपल कैसे मना रहे हैं अपनी छुट्टियां।
महामारी से बचते हुए और अपनी पूरी सावधानी के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री काम पर लौट आई है। कोई अपना काम खत्म कर रहा है तो कोई एक काम खत्म कर दूसरे काम की तरफ बढ़ने से पहले ब्रेक लेकर एंजॉय कर रहा है। कुछ लोग फिल्मों को बनाने के लिए कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो कुछ लोग फिल्म की रिलीज को लेकर नए आइडिया और नए नए प्रस्ताव के साथ आ रहे हैं। अब फिल्म सूर्यवंशी को ही ले लीजिए, फिल्म पूरी तरह से बनकर तैयार है, सबको इंतजार है तो बस थिएटर खुलने का। सब अपने अपने हिसाब से फिल्मों के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि फिल्म को कैसे, कब और कहां रिलीज किया जाएगा, जिससे कि उनको ऑडियंस का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके और उनकी फिल्म भी हिट हो सके। आइए देखते हैं कि फिल्म सूर्यवंशी के मेकर्स ने फिल्म के लिए क्या नया किया है और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉलीवुड की हालत नेपोटिज्म की वजह से काफी बुरी हो चुकी है और इसका असर सबसे ज्यादा अगर किसी पर पड़ा है तो वो है करण जौहर और उनके लॉन्च किए हुए स्टार किड्स। आपको बता दें कि अब बॉलीवुड का माहौल ऐसा है कि लोग स्टार किड्स और करण जौहर का नाम सुनकर ही चिढ़ रहे हैं और तो और वो करण जौहर की फिल्मों को बॉयकॉट भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जाता है और यही वजह है कि फिल्म सूर्यवंशी में खुद प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी फिल्म में उनका ना होने की खबरें आ रही है बार बार। उनका फिल्म का हिस्सा ना होने की खबर पर ब्रेक लगाते हुए रोहित शेट्टी ने बताया कि करण जौहर इस फिल्म का हिस्सा है। फिल्म मेकर्स को ये भी डर है कि कहीं करण जौहर का नाम सामने आने से फिल्म को नुकसान ना झेलना पड़ जाए, क्योंकि इसका खामियाजा पहले भी आलिया भट्ट और संजय दत्त की फिल्म सड़क 2 को झेलना पड़ गया था। उनकी फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी भी कहीं ना कहीं इसी वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं टिक पाई और यही वजह है कि फिल्म सूर्यवंशी के मेकर्स इसकी रिलीज को लेकर काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। खैर, अब देखते हैं कि इस फिल्म की किस्मत में क्या लिखा है और 2021 में आई हुई फिल्म हिट जाती है या फिर फ्लॉप जाती है, इसका फैसला तो ऑडियंस के ही हाथ में है। खैर, बॉलीवुड में लव स्टोरी फिल्म से ज्यादा सुर्खियों में रहती है स्टार्स की लव स्टोरी और लोग इसके बारे में जानना बहुत पसंद ही करते हैं। और अगर इसकी बात हो और फिर पूरे बॉलीवुड में तो आज जैसा कि आप सब जानते ही कि सबसे ज्यादा सुर्खियों में है रणबीर दीपिका और रणबीर और आलिया भट्ट की जोड़ी। और सोचो जब ये दोनों जोड़ियां एक साथ होंगी तो फिर कितनी एंटरटेनमेंट होगी। खबर आई है कि बॉलीवुड की ये दोनों लव बर्ड्स की जोड़ी साथ ही छुट्टियां मना रही हैं। अभी हाल ही में खबर आई कि रणबीर आलिया और रणबीर और दीपिका पादुकोण ये चारों एक साथ ही राजस्थान में छुट्टियां मना रहे हैं और उनके साथ वहां नीतू कपूर और रिधिमा कपूर साहनी भी अपने पति और बेटे के साथ छुट्टियां मना रही हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं। खैर, लोग साल की ये सब लोग साल के अंत में साथ हैं और ऐसा लग रहा है कि नए साल का स्वागत भी ये सब लोग साथ में ही करेंगे और उसके बाद सब अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि रणबीर और आलिया साल 2021 में शादी करने वाले हैं और जल्द ही अपनी सगाई भी कर लेंगे। खैर, आप लोग उनकी शादी को लेकर कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सिम्बा और सूर्यवंशी के बाद फिर से सिंघम 3 लेकर लौटने वाले हैं रोहित शेट्टी। सामने आई इतनी बड़ी जानकारी। सफल अभिनेता के साथ निर्देशक भी बन गए हैं अजय देवगन। उनके अलावा कौन कौन से अभिनेता बन रहे हैं निर्देशक? दोस्तों, रोहित शेट्टी का कैरेक्टर हो रहा है एनिमेशन में भी पॉपुलर। लिटिल सिंघम के बाद स्मैशिंग सिम्बा नाम का भी बन रहा है कार्टून कैरेक्टर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गरिमा अरोड़ा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्यवंशी से रिलेटेड सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अपडेट्स देने वाली हूं, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। चाहे कितने भी पुलिस ऑफिसर आ जाएं, चाहे कितने भी किरदार आ जाएं या कितने भी अभिनेता आ जाएं, लोगों के दिलों में जो जगह अजय देवगन ने सिंघम के किरदार से बनाई है, वैसी जगह अभी तक कोई नहीं बना पाया। और दोस्तों, काफी फैंस सिर्फ और सिर्फ सिंघम का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सूर्यवंशी का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्हें सिंघम को देखने का मौका जो मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, फैंस की इस गुजारिश को सुनी इस फिल्म सीरीज के निर्देशक रोहित शेट्टी ने और वो फैंस को ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं जिससे फैंस का दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि निर्देशक कॉप यूनिवर्स को बनाने का फैसला किया था, तो अब सिर्फ उसमें बॉलीवुड के अलग अलग हीरो पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे, तो उनको ये बता दें कि सिंघम 2 के बाद सिंघम की कहानी खत्म नहीं हुई है, इसकी कहानी अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि सिंघम 3 से आप सबके चहेते भालेराव सिंघम वापस आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, ना ही कोई अफवाह है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसकी जानकारी दी है खुद अजय देवगन ने। आइए आपको बताते हैं सिंघम 3 पर क्या अपडेट
बेस्ट है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि सिम्बा सिंघम 3 और सूर्यवंशी सिंघम 4 की जगह ले रहा है, अब आगे सिंघम नहीं आएगी, तो आपको बता दें कि अब फिर से अजय देवगन सिंघम के किरदार में आपके सामने आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि वो फिल्म सूर्यवंशी के बाद सिंघम 3 लेकर स्क्रीन पर आ रहे हैं। अभी हाल ही में सिंघम को आए 9 साल हो गए। इसकी पहली फिल्म साल 2011 में आई थी और दूसरी 2014 में, और फिर सिम्बा 2019 में, और सूर्यवंशी जो साल 2020 में आने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोशिश की जा रही है कि फिल्म 2021 की गर्मियों तक रिलीज कर दी जाए। जब एक इंटरव्यू में रोहित शेट्टी से पूछा गया कि वो सूर्यवंशी में किसी दूसरे एक्टर को पुलिस वाले किरदार में लेकर आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा हुआ तो उनको एक पूरी फिल्म बनानी पड़ेगी, इसलिए वो सूर्यवंशी के बाद फिर से सिंघम 3 लेकर आएंगे। बस उनका इतना कहना ही सिंघम के फैंस के लिए काफी बड़ी बात थी। अब देखते हैं फैंस का इंतजार कब खत्म होता है, क्योंकि अभी तो सूर्यवंशी के रिलीज में इतना समय लग रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सिंघम की फुल टाइम स्क्रीन पर न लौटने की वजह से ये भी हो सकता है कि वो आजकल काफी व्यस्त चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी एक ये वजह हो सकती है कि उनके पास कई और फिल्में भी हैं जिस पर वो लगातार काम कर रहे हैं, और वो एक नहीं एक साथ कई सारे काम कर रहे हैं, और वो अब अभिनेता से निर्देशक और निर्माता भी बन गए हैं। आपको बता दें कि एक्टर का निर्देशक बन जाना कोई नई बात नहीं है। उनके साथ कई और भी बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री हैं जो अब निर्देशक और निर्माता भी बन गए हैं। आइए आपको बताते हैं कौन कौन है वो अभिनेता। आमिर खान, जी हाँ दोस्तों, पंकज कपूर, आशुतोष गोवेरकर, सनी देओल, ये सब एक्टर एक्टिंग छोड़ फिल्में बनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि सिंघम सिर्फ बड़े लोगों के बीच ही नहीं बच्चों के बीच भी काफी पॉपुलर है, क्योंकि उनके पास बाजीराव सिंघम का छोटा अवतार लिटिल सिंघम है जो बच्चों को काफी पसंद आता है। और तो और दोस्तों, स्मैशिंग सिम्बा वाला कार्टून कैरेक्टर भी जल्द आने वाला है। रोहित शेट्टी का फिल्माया गया कैरेक्टर अब बच्चों के बीच भी पॉपुलर हो रहा है। जी हाँ, लिटिल सिंघम के बाद अब स्मैशिंग सिम्बा भी टीवी पर आने वाला है। बच्चों का तो सुपर हीरो तो आ गया है। अब देखते हैं सूर्यवंशी, सिंघम और सिम्बा कब स्क्रीन पर लौट आएंगे, ये तो अभी तक नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ये फिल्म आपको थिएटर में देखने को मिल सकती है। आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ये स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने। क्या मेकर्स कर रहे हैं अक्षय कुमार की खिलाड़ी को रीमेक बनाने की तैयारी? क्या रीमेक की पहली पसंद गन बन गए हैं वरुण धवन? किस किस अभिनेता को करना पड़ा झूठी शादी के इल्जाम का सामना? कैसे दूर किया गले पड़ी नकली बीवियों को? रीमेक फिल्मों का प्रश्न बॉलीवुड में कभी अच्छा खासा चल रहा है, इसका उदाहरण आपने कुली नंबर 1 के तौर पर देख ही लिया होगा। इस फिल्म के मेकिंग के समय से ही दूसरी फिल्म के रीमेक की खबरें आने लगी थी। इससे पहले भी कई सारे फिल्मों की रीमेक बन चुकी है, और उसके बाद तो अब बीवी नंबर 1 और हीरो नंबर 1 की रीमेक भी बनने की खबरें आ रही है। सिर्फ डेविड धवन ही नहीं बल्कि दूसरे फिल्म मेकर्स भी अब बॉलीवुड रीमेक को लेकर वरुण धवन को ही पहली पसंद मानते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरी खबरें और कैसे आई ये बात सामने। अब गोविंदा की फिल्मों के बाद अक्षय कुमार के भी फिल्मों की रीमेक बनने की बात हो रही है। अक्षय की 1992 में आई फिल्म खिलाड़ी को लेकर दोबारा बनाने की बातें सामने आ रही है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और आयशा जुल्का मुख्य किरदार में थी। अगर खबरों की मानो तो फिल्म की अभिनेत्री आयशा चाहती हैं कि उनके इस फिल्म का रीमेक बनाया जाए, और फिल्म के मुख्य किरदार के लिए वरुण धवन को ही लिया जाए, और इस फिल्म को लेकर उन्होंने अपनी अभिनेत्री की राय भी बताई, और वो चाहती है कि वरुण के साथ इस फिल्म में उनकी जगह में आलिया भट्ट को या फिर जान्हवी कपूर को लिया जाए। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हाल ही में फ्लॉप फिल्म रीमेक बनाने के बाद वरुण धवन रीमेक फिल्मों में काम करने का फैसला करेंगे, या फिर देखते हैं कि कौन से फिल्म मेकर्स इस फिल्म को बनाने के बाद आगे ले जाते हैं। बॉलीवुड के सितारे के बहुत से फैंस होते हैं, उनके लिए कुछ भी काम करने की तैयारी रहती है और उनके प्यार में पागल हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ अब उनके फैंस ने कहा है कि वो उन अभिनेताओं की पत्नी है, और इस वजह से उनकी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वो सारे सितारे सुर्खियों में आ गए। आइए बात करते हैं कौन कौन है वो अभिनेता और किस तरह से उन लोगों ने इन बिन बुलाए मुसीबतों से पीछा छुड़ाया। सलमान खान, जैसे कि आप सबको पता है कि सलमान खान बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबिलिटी बैचलर हैं, लेकिन एक बार उनके साथ ऐसे भी हुआ था कि जब उनको बिना शादी किए बीवी मिल गई थी। साल 2018 में एक फीमेल फैन गॉड से लड़ झगड़ कर उनके घर में घुस आई थी और कहा था कि वो उनकी बीवी है। यहाँ तक कि उसने खुद को मारने की भी धमकी दी थी। किसी तरह फिर उस बात को संभाला गया। उस समय सलमान खान से अपने घर में नहीं थे, लेकिन बाद में बात उन तक पहुंची गई थी।
अक्षय कुमार। अब इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने खुद बताया था कि लखनऊ की एक थोड़ी मेंटल स्टेबल लड़की को ऐसा लगता था कि उसकी शादी अक्षय कुमार से हो चुकी है। उसने किसी तरह अक्षय कुमार का नंबर निकाल लिया था, फिर उसने अक्षय कुमार को फोन करके कहा कि आप घर नहीं आए अभी तक। अभिनेता ने लगातार उसके बार बार समझाने की कोशिश की और ये कहा कि वो अपनी पत्नी ही नहीं है। जब ये बात थोड़ी आगे बढ़ गई तो उन्होंने उस लड़की के माँ बाप से बात की। एक बार वो लड़की घर से भाग भी गई थी और उस मामले में संभालने के लिए यह उनकी असली पत्नी डिंकल खन्ना को भी बीच में आना पड़ा था। इमरान हाशमी, साल 2013 में इमरान हाशमी ने बात एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार एक लड़की उनके घर के दरवाजे पर आ गई थी और ये दावा किया कि वह उनकी पत्नी है। यहाँ तक कि वो अपने साथ पुलिस को भी लेकर आई थी। लड़की ने अभिनेता का नाम इमरान हाशमी की जगह इमरान सिद्दीकी बताया था और कहा था कि उनकी शादी हो चुकी है और वो लोग 2 महीने तक फिजिकल रिलेशन में भी थे। उस दौरान उसने ये बात भी कही थी कि अभिनेता उनके बार फोन करके मुंबई बुलाते हैं। बाद में ये पता लगा था कि या तो वो झूठ बोल रही या अपने मन से ऐसा ख्याल बना रही है। शाहिद कपूर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उसकी वजह से उनको पुलिस कंप्लेंट भी करनी पड़ी थी। शाहिद की ये फैन दावा कर रही थी कि वो उनकी बीवी है और बस इतना ही नहीं, वो उनका हर जगह इंतजार करती थी, उनके गेट के बाहर खड़े रहती थी और तो और वो 13वें मामले पर भी पहुंच जाती थी। इसी वजह से शाहिद की पुलिस के पास जाना पड़ा और उस लड़की के खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने। वैसे तो अक्षय कुमार साल में कई फिल्में कर लेते हैं और उनके पास इतना समय होता है कि वो कोई फिल्म नहीं छोड़ते। फिर ऐसी कौन सी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं जो उन्होंने छोड़ दी थी? और कैटरीना कैफ और अली अब्बास जफर की दोस्ती कितनी पुरानी है और कैसे शुरू हुई है दोस्ती? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। रोहित शेट्टी ने अपने आने वाली फिल्म सूर्यवंशी के लिए ऐसे दमदार अभिनेताओं को चुना है कि क्या ही बताएं। फिल्म के लीड अभिनेता अक्षय कुमार हैं, जिनके बारे में कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं है। रणवीर सिंह ने तो अपने टैलेंट से ये साबित कर ही दिया है कि वो क्यों इस फिल्म का हिस्सा है। सिम्बा में उनकी परफॉर्मेंस देखकर रोहित शेट्टी को उन्हें और मौके तो देने ही थे, इसलिए अब वो सूर्यवंशी का भी हिस्सा है और साथ ही साथ फिल्म सर्कस में वो लीड अभिनेता का किरदार भी निभा रहे हैं। और अजय देवगन तो निर्देशक के फेवरेट हैं, उनके बिना तो ये फिल्म अधूरी ही रह जाती। इस बार तो फिल्म का विलेन भी काफ़ी दमदार है, हीरो के किरदार में उन्होंने अपना दमदार काम करके दिखाया है और अब देखते हैं कि जैकी श्रॉफ विलेन के किरदार में कौन सा रंग दिखाएंगे। आपको बता दें कि जैकी श्रॉफ के विलेन की एक झलक हम पहले भी देख चुके हैं जब उन्होंने एवरग्रीन अभिनेता अनिल कपूर को 17 थप्पड़ मारे थे। आइए आपको बताते हैं क्या थी पूरी घटना। अनिल और जैकी श्रॉफ ने राम लखन, रूप की रानी, चोरों का राजा सहित कई फिल्मों में एक साथ काम किया है। ये दोनों सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर आपको एक घटना बताते हैं जिसमें कि जैकी द्वारा उन्हें थप्पड़ मारे गए थे। विधु विनोद चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसने इस रहस्य का खुलासा किया था, जहां इस वीडियो में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ भी नजर आ रहे थे। वीडियो में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ अपनी फिल्म परिंदा के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में फिल्म परिंदा का एक दृश्य दिखाया जाता है और इस सीन में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ बहस कर रहे होते हैं और इसी दौरान जैकी श्रॉफ अनिल कपूर को थप्पड़ मार देते हैं। वीडियो में जैकी इस सीन के बारे में बता रहे हैं। जैकी कहते हैं, अनिल उस दृश्य में दर्द दिखाना चाहते थे कि उनके बड़े भाई ने उन्हें थप्पड़ मारा है। जैकी ने कहा, पहला शॉट अच्छा था और चेहरे के भाव भी लिए गए थे, लेकिन अनिल ने कहा नहीं और उन्होंने 17 रीटेक लिए, जिसका मतलब है कि जैकी ने 17 बार अनिल कपूर को थप्पड़ मारा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अक्षय कुमार अभी से नहीं, हमेशा से ही एक बार में कई फिल्में करते हैं, लेकिन फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों को उन्होंने ठुकरा दिया? 1993 की हिट फिल्म बाजीगर, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी शाहरुख खान ने, उन्हें इस किरदार के लिए काफ़ी स्टारडम और आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली थी। ये भूमिका पहले सलमान खान को दी गई थी लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद अक्षय कुमार को भी ये भूमिका पेश की गई लेकिन उन्होंने भी इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि नकारात्मक भूमिका उनकी छवि खराब कर देगी। आपको बता दें कि भाग मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई थी, इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार पहली पसंद थे लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वह पटकथा से संतुष्ट नहीं थे। आपको बता दें कि बाद में फरहान अख्तर के प्रदर्शन को सभी ने सराहा और बॉक्स ऑफिस पर यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी।
रेस अब्बास सैफ अली खान अभिनीत मस्तान एक्शन थ्रिलर एक व्यावसायिक हिट थी। शुरुआत में अक्षय कुमार को पेशकश की गई थी इस फिल्म की, लेकिन उन्होंने किसी कारण इसे ठुकरा दिया था। अगर अक्षय ने इस फिल्म का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो ये फिल्म दूसरे ही स्तर पर सफल होती। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय कुमार को ड्वेन जॉनसन की विशेषता वाली फिल्म में एक भूमिका की पेशकश भी की गई थी। फिल्म कुश्ती पर होने वाली थी और WWE से कॉल आया था उन्हें। अक्षय ने ये कहते हुए इस भूमिका को अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं थी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अभिनेत्री कैटरीना कैफ जो सूर्यवंशी से 10 साल बाद अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन पर आने वाली हैं, अभी हाल ही में उनके जिगरी दोस्त का जन्मदिन था और ये जिगरी दोस्त कोई और नहीं निर्देशक अली अब्बास जफर हैं, जो आजकल अपनी वेब सीरीज स्टैंड अप को लेकर काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। उनकी दोस्ती काफ़ी पुरानी है और आपको बता दें कि वो उन लोगों ने एक साथ भारत, टाइगर जिंदा है और मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसी फिल्मों में काम भी किया है और उनकी दोस्ती उसी समय से है। जल्द ही निर्देशक कैटरीना के साथ एक सुपर हीरो फिल्म लेकर आने वाले हैं जिसका टाइटल सुपर सोल्जर है। अपने दोस्त को जन्मदिन की बधाई देते हुए अभिनेत्री ने बहुत सारी तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है कि जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, इस साल में तुम्हारे दिल की हर इच्छा पूरी हो, उस इंसान को दुनिया भर की हर खुशी मिले जिसे बिना बताए ये पता लग जाता है कि मुझे कुछ परेशान कर रहा है। अभिनेत्री को कभी भी किसी और के लिए इतना पोस्ट करते हुए नहीं देखा गया, इससे पता चलता है कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी है। खैर, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास वीडियोस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। आज की ये वीडियो की स्क्रिप्ट। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी आखिर कब रिलीज हो रही है? इस फिल्म को ईद पर रिलीज करने से क्यों घबरा रहे हैं रोहित शेट्टी? क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल, बात करेंगे सूर्यवंशी की, जिसकी जो रिलीज डेट है वो हमेशा से बदलती ही जा रही है। कोविड के चलते इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और इन दिनों भारत में सिनेमाघर 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ खुल रहे हैं, जिस कारण मेकर्स अब इंतजार कर रहे हैं कि 100% ऑक्यूपेंसी हो तब जाकर हम इस फिल्म को रिलीज़ करें। आपको बता दें अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह और कैटरीना कैफ इस फिल्म में होने वाले हैं और अब रोहित शेट्टी ने प्लान किया है कि इसे जून या जुलाई 2021 में रिलीज किया जाए, जब सिनेमाघर एकदम नॉर्मल हो जाए, 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खुलने लग जाए। वहीं आपको बता दें रोहित शेट्टी जून या जुलाई की रिलीज डेट इसीलिए तलाश रहे हैं क्योंकि तब तक सब नॉर्मल हो जाएगा। ईद में सलमान खान ने भी अनाउंस कर दी है कि वो रिलीज करने वाले हैं। ऐसे में रोहित शेट्टी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अब सूर्यवंशी का किसी भी फिल्म से क्लैश हो। आपको याद हो पिछले साल ये फिल्म क्लैश में ही आ रही थी, मतलब कि राधे और सूर्यवंशी का क्लैश होने जा रहा था, लेकिन अब बहुत कुछ बदलाव आ गए कोविड के चलते और रोहित शेट्टी घबरा रहे हैं कि उनकी फिल्म किसी भी फिल्म से नहीं टकरानी चाहिए। वहीं अब जो फैंस हैं उनको तो इंतज़ार नहीं हो रहा, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस फिल्म को रिलीज़ किया जाए, लेकिन मेकर्स को इतना बड़ा घाटा इस फिल्म से हो सकता है अगर अभी इसे रिलीज़ किया जाए या क्लैश के साथ रिलीज़ किया जाए तो बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए जून या जुलाई 2021 की डेट तलाशी जा रही है। फिल्म में बहुत कुछ होने वाला है, ट्रेलर आपने देखा होगा धमाकेदार निकला है और अक्षय कुमार इस फिल्म में वीर सूर्यवंशी का किरदार करने वाले हैं। ये 90s और 80s का एरा दिखाया जाएगा, जिस वक्त जो पुलिस होती थी वो किस तरह से अपने टास्क हैंडल करती थी, उस वक्त कैसे सिचुएशंस थी, इस पर आधारित ये फिल्म होगी। ऊपर से इसमें सिम्बा और सिंगम यानी कि रणवीर सिंह और अजय देवगन की भी एंट्री होगी, धुआंधार एक्शन देखने को मिलेगा और कैटरीना और अक्षय कुमार की केमिस्ट्री एक बार फिर से कई सालों बाद पर्दे में देखी जाएगी। आपको कितना इंतज़ार है इस फिल्म का नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट। सूर्यवंशी और 83 का कब छटेगा शनि और कब होने वाली है सूर्यवंशी की ऑफिशियल रिलीज? कटरीना कैफ में क्यों खुलकर नाची? क्या थी कोई बड़ी खबर या फिर किसी बात की खुशी की जाहिर? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज मैं बात करूंगी अक्षय कुमार कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। आपको बता दूं कि ये फिल्म रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म उनकी कॉप यूनिवर्स की आगे की कड़ी होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक ऑनेस्ट पुलिसमैन का किरदार निभाएंगे जो दुश्मनों के पीछे भागता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, सिंगम 3 की कहानी भी इस फिल्म से काफी जुड़ी हुई है, यानी कि ये दोनों ही फिल्में काफी कनेक्टेड हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ही फिल्में आस पास शायद रिलीज हो सकती है। रोहित शेट्टी ने कहा था कि ये दोनों ही फिल्में आपस में रिलीज होनी चाहिए, यानी कि थोड़े ही से स्पैन में रिलीज होनी चाहिए,
लेकिन अब देखना है क्योंकि सूर्यवंशी बन चुकी है और सिंघम 3 की अभी कोई खबर तक नहीं है, इसलिए रोहित शेट्टी सूर्यवंशी को अभी दूर तक नहीं ले जाएंगे, इसी साल फिल्म को रिलीज कर देंगे। बाकी आपको बता दें कि जैसे बॉलीवुड में सब कुछ रुका हुआ है, ना फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन वेब सीरीज काफी एक्टिव है। उसी के विपरीत तमिल इंडस्ट्री है, वहां पर बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी फिल्में रिलीज हो रही हैं और दर्शक काफी भीड़ में उस फिल्म को देखने भी आ रहे हैं। बाकी तमिल इंडस्ट्री को देखते हुए तो लग ही नहीं रहा है कि वहां पर कुछ COVID-19 जैसा है। बाकी आपको बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या कहना है, काफी दिनों से चाह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी फिल्म रिलीज हो ताकि बॉक्स ऑफिस रिवाइव कर सके। बाकी आपको बता दूं कि 2019 में दिलजीत दोसांझ की फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरीके से पिट गई क्योंकि कोई भी दर्शक उस फिल्म को देखने गया ही नहीं COVID-19 के डर से। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मांग की थी कि बड़ी से बड़ी सूर्यवंशी जैसी फिल्म रिलीज हो ताकि बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस रिवाइव कर सके, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। लेकिन अगर अंदर की बात और सोर्सेज की बात माने तो सूर्यवंशी होली पर रिलीज हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सूर्यवंशी को होली पर रिलीज होना चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लेकिन कैटरीना कैफ क्यों खुल कर नाची, क्या थी स्पेशल ओकेजन या फिर कोई उन्होंने हिंट दिया है? तो आपको बता दूं कि कैटरीना कैफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बहुत खुलकर नाच रही हैं और उन्होंने लिखा कि ये खुशी। आपको बता दूं कि जिस स्टूडियो में वो नाच रही थी उसमें पीछे ऐश्वर्या राय का पोस्टर लगा था, बंटी बबली का साइन लगा हुआ था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद बंटी बबली 2 का सीक्वल आ सकता है। लेकिन अब ये देखना बाकी रहेगा कि क्या ये सिर्फ बातें हैं या फिर कैटरीना कैफ ने डांस के जरिए ये हिंट दे दिया है कि इस फिल्म का सीक्वल आ सकता है। बाकी देखना बाकी रहेगा कि क्या सच्चाई है, बाकी अब ये सब देखना बाकी रहेगा। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थे अक्षय कुमार कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी और उनके बारे में कुछ बातें। ऐसे फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर। क्यों अक्षय कुमार ने रोहित शेट्टी के साथ लड़ाई झगड़े को ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और क्यों करण जौहर ने उस वीडियो को फिर से रीट्वीट किया? क्या ये एक नई कंट्रोवर्सी का जन्म है या फिर बात कुछ और है? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निधा और आज मैं बात करूंगी सूर्यवंशी के बारे में। लेकिन इस फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारे बॉलीग्राड स्टूडियोज की वीडियोज में आपने देखा होगा कि हम बात कर चुके हैं कि इस फिल्म में कौन होने वाला है, इस फिल्म की क्या कहानी होने वाली है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी आज मैं आपको एक ऐसी गॉसिप बताऊंगी जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल हो रही है। इस फिल्म में आपको जैसा पता है कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी। इस फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार में लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो दोनों लड़ते लड़ते हाथापाई पर उतर आए और यही नहीं, अंत में मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि पुलिस को मामले में कूदना पड़ा और उन दोनों को बिठाना पड़ा। आपको बता दूं कि इस वीडियो को अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। शेयर करने के तुरंत बाद ही करण जौहर ने भी उनकी वीडियो को रीशेयर किया। वैसे अगर आप गौर से देखें तो ये सारा मामला सिर्फ एक झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये वीडियो रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार ने मीडिया और टैबलॉइड्स पर व्यंग करने के लिए किया है। जो मामला सच था उसी वीडियो को किस तरह से काट छाट के मीडिया दिखाता है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और न्यूज टैबलॉइड्स पर, जिसमें कैटरीना कैफ न्यूज एंकर के रूप में दिखाई दे रही है। ये तो एक सीरियस से पब्लिसिटी हो गई फिल्म की और अपने आप की। वैसे इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं उनको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, ये व्यंग तो दूर तक जाएगा जो बता देगा कि आजकल कितना ज्यादा झूठ और कितना ज्यादा गलत चीजें दिखाई जा रही हैं। बाकी अक्षय कुमार इस तरह की चीजें करने में काफी हुनरमंद हैं और इस तरह की विटी और इस तरह की चीजें वो करते रहते हैं, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे वो इंटरव्यूज में है और चाहे वो रैंप वॉक हो। बाकी इस वीडियो को करण जौहर ने भी रीशेयर किया था, जिसके बाद ट्विटर अकाउंट्स पर बहुत सारे लोगों ने उनको गलत सलत कहना शुरू कर दिया। पहले तो लोगों ने कहा कि वो खुद इस तरह की लड़ाई झगड़े बढ़ाते हैं क्योंकि उनका शो आता है कॉफी विद करण, जिसमें वो बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं लोगों से जिसमें लोग डर के सहम के पता नहीं क्या डिप्लोमैट आंसर्स देते हैं, जिसके बाद शो तो खत्म हो जाता है लेकिन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती हैं। तो इस वजह से लोगों ने बहुत बुरा भला भी कहा करण जौहर को कि इस तरह के शोज उनको नहीं करने चाहिए। वैसे इस वीडियो में रोहित शेट्टी अक्षय कुमार को काफी मजा आया क्योंकि उस वीडियो में देखा जा रहा है कि दोनों अपनी हंसी छुपाते हुए नजर आ रहे हैं और कैटरीना कैफ भी इस वीडियो का हिस्सा थी।
बाकी देखना है कि इस तरह के मजे सिर्फ उन्होंने बाहर ही किए या फिर फिल्म सूर्यवंशी में भी किए। फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि दोनों ने कितना अच्छा काम किया है, क्योंकि वीडियो में तो काफी अच्छा काम किया है इन्होंने, ये तो दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो आपको बता दूं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी वायरल हो रही है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस तरह की बातें तो हुआ करती हैं और चला करती हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि कितना गलत है और कितना सही है। दूध का दूध और पानी का पानी अंत में होता है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी से लेकर कुछ जुड़े फैक्ट, ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए। क्या होगी फिल्म सूर्यवंशी की कास्ट, क्या होगी इस फिल्म की रिलीज डेट, आइए जानते हैं। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का पॉलीग्राड स्टूडियोज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, जहाँ आज हम फिल्म सूर्यवंशी से रिलेटेड कुछ चटपटी बातें करेंगे। सबसे पहली बात, फिल्म सूर्यवंशी ये किसकी डायरेक्शन में बनाई गई है। फिल्म सूर्यवंशी रोहित शेट्टी की डायरेक्शन और रिलायंस एंटरटेनमेंट, धर्मा प्रोडक्शन और रोहित शेट्टी फिल्म प्रोडक्शन के अंदर बनाई गई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ दिखाई देंगी कैटरीना कैफ। जी हाँ, हम सबका मनपसंद जोड़ा कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार पूरे 10 साल बाद स्क्रीन पर वापस दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म एक एक्शन फिल्म होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर फिल्म रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं तो एक्शन कैसे नहीं होगा। जी हाँ, इस फिल्म में एक्शन जोर शोर से दिखाई देगा। और इस फिल्म की रिलीज डेट पहले 24 मार्च 2020 बताई जा रही थी, लेकिन कोविड के चलते इस डेट को रद्द कर दिया गया और इस फिल्म की रिलीज पोस्टपोन कर दी गई। अब माना जा रहा है कि ये फिल्म जनवरी 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय लीड रोल में नजर आएंगे। अक्षय कुमार एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ का रोल अदा कर रहे हैं। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको और इस फिल्म से या और फिल्मों से जुड़ी जानकारी हासिल करनी हो तो हमारे साथ बने रहिए। और ये पुलिस फिल्मों के साथ साथ कौन सी क्राइम फिल्में आएंगी इस साल, और इस पुलिस चोर के मुठभेड़ में कौन जीतेगा, कौन है मृणाल जैन और क्या है इनका संबंध रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स से। हाय गाइस, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मेरा नाम है निदा और आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। बाकी आपने अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के बारे में तो सुना ही होगा। ये फिल्म एक पुलिस यूनिवर्स पर होने वाली है, जिसमें एक ईमानदार पुलिस है और जो डाकू और चोर उचक्कों को पकड़ेगा और अंत में सब कुछ ठीक कर देगा। ये फिल्म भी उसी के अराउंड घूमने वाली है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही फिल्म एक और आने वाली है, जिसको नाम दिया गया है रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी। इसमें अक्षय कुमार दिखाई देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले रणवीर सिंह सिम्बा और अजय देवगन सिंघम में दिखाई दे चुके हैं। ये फिल्में भी रोहित शेट्टी की थी और ये फिल्म पुलिस पर ही बेस्ड थी। तो आपको बता दूं कि ये साल कौन कौन सी फिल्में पुलिस यूनिवर्स पर बेस्ड होने वाली हैं और कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस साल दो बड़ी फिल्में रिलीज हो सकती हैं जो कि क्रिमिनल बेस्ड पर हैं। पहली तो रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी है और उनके ही क्लान से निकली फिल्म सिंघम 3, जिसमें अजय देवगन दिखाई देंगे। बाकी आपको बता दूं कि इस साल दो बड़ी फिल्में और रिलीज होने वाली हैं, जो कि अजय देवगन की कैथी और अभिषेक बच्चन की द बिग बुल होने वाली है। ये दोनों ही फिल्में बहुत बेहतरीन हो सकती हैं। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े क्रिमिनल्स भी दे जा सकती हैं। अब देखना ये रहेगा कि क्या ये दो बड़ी फिल्में रोहित शेट्टी की दो बड़ी फिल्मों से क्लैश कर सकती हैं, क्योंकि अगर ये दोनों फिल्में एक दूसरे से क्लैश करती हैं तो बॉक्स ऑफिस और इन स्टार्स के करियर पर भी जोर पड़ सकता है। बाकी देखना है कि आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि कैथी और द बिग बुल अगर रोहित शेट्टी की सिंघम और सूर्यवंशी से टकराएं तो जीत किसकी होगी, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कि अक्षय कुमार के फैंस बहुत दिनों से ये पूछ रहे हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी कब रिलीज हो सकती है। तो अगर सोर्सेज की बात माने तो सोर्स ने कहा है कि ये फिल्म मार्च में होली में रिलीज हो सकती है। उस मंथ में रणवीर सिंह की 83 भी रिलीज होने वाली है। 83 के वर्ल्ड कप पर आधारित है। तो अब देखना है कि इन दोनों फिल्मों का भी टक्कर ना हो जाए, क्योंकि रणवीर सिंह भी आजकल बॉलीवुड में पकड़ बना चुके हैं। तो अगर इन दोनों की भी टक्कर होती है तो किसी एक फिल्म को तो काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बाकी कौन है मृणाल जैन और क्यों इनका नाम सामने आ रहा है रोहित शेट्टी की सिंघम 3 के लिए, तो आपको बता दूं कि मृणाल आज के उभरते हुए सितारे हैं, जिसका मतलब है कि ये एक्टर बहुत सारे टीवी शोज कर चुका है और बहुत छोटी मोटी फिल्मों में भी दिखाई दिया है, लेकिन अभी तक इनको कोई भी नोटिसेबल वर्क नहीं मिला है। लेकिन रोहित शेट्टी ने अपनी कॉप यूनिवर्स फिल्म सिंघम 3 के लिए इनको कास्ट कर लिया है, जिसकी खुशी जाहिर करते हुए मृणाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि रोहित सर का हाथ मुझ पर आया।
बाकी इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, अजय देवगन इस फिल्म का हिस्सा होंगे, तो मुझे उनके साथ काम करने में काफी खुशी होगी। बाकी मृणाल तो काफी खुश है, उनके घर वाले भी काफी खुश होंगे। बाकी देखना है कि मृणाल अपने एक्टिंग से और कितने लोगों को खुश करते हैं। बाकी ये थे अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी से जुड़े कुछ फैक्ट। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर देते हैं। क्या होगी फिल्म सूर्यवंशी की कास्ट, क्या होगी इस फिल्म की रिलीज डेट, आइए जानते हैं। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का पॉलीग्राड स्टूडियोज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, जहाँ आज हम फिल्म सूर्यवंशी से रिलेटेड कुछ चटपटी बातें करेंगे। सबसे पहली बात, फिल्म सूर्यवंशी ये किसकी डायरेक्शन में बनाई गई है। फिल्म सूर्यवंशी रोहित शेट्टी की डायरेक्शन और रिलायंस एंटरटेनमेंट, धर्मा प्रोडक्शन और रोहित शेट्टी फिल्म प्रोडक्शन के अंडर बनाई गई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ दिखाई देंगी कैटरीना कैफ। जी हाँ, हम सबका मनपसंद जोड़ा कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार पूरे 10 साल बाद स्क्रीन पर वापस दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म एक एक्शन फिल्म होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर फिल्म रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं तो एक्शन कैसे नहीं होगा। जी हाँ, इस फिल्म में एक्शन जोर शोर से दिखाई देगा। और इस फिल्म की रिलीज डेट पहले 24 मार्च 2020 बताई जा रही थी, लेकिन कोविड के चलते इस डेट को रद्द कर दिया गया और इस फिल्म की रिलीज पोस्टपोन कर दी गई। अब माना जा रहा है कि ये फिल्म जनवरी 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय लीड रोल में नजर आएंगे। अक्षय कुमार एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ का रोल अदा कर रहे हैं। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको और इस फिल्म से या और फिल्मों से जुड़ी जानकारी हासिल करनी हो तो हमारे साथ बने रहिए, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी से विदा लेती हूँ। दोस्तों, बॉलीवुड का सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी, उसे कौन भुला सकता है। उस सॉन्ग में अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने जो पानी में आग लगाया था, ओए होए होए होए। उस सॉन्ग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी में उस सॉन्ग को फिर से रिक्रिएट किया गया है। जहाँ पिछली बार रवीना टंडन और अक्षय कुमार थे उस सॉन्ग में, वहीं इस बार कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार पानी में आग लगाते नजर आएंगे। दोस्तों, बहुत पहले खबर थी कि ये सॉन्ग रिलीज होने वाला है, लेकिन अभी तक इस सॉन्ग को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कहा जा रहा था कि इस फिल्म का सेकंड ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है, लेकिन अफसोस कि उस पर भी कोई हमें अपडेट देखने को नहीं मिली। रिपोर्ट से जो खबर सामने आई है, कहा जा रहा है कि मेकर्स फिल्म को लेकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब वो प्लानिंग फिल्म के रिलीज को लेकर है, ट्रेलर को लेकर है, या फिर इस सॉन्ग को लेकर है, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वेल, इस बात का तो हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि मेकर्स फिल्म के जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम ले। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड है, और वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है फिल्म के क्लाइमेक्स को लेकर और सॉन्ग आ रही पुलिस को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो क्लाइमेक्स और आ रही पुलिस सॉन्ग में हमें एक साथ बॉलीवुड के तीन शेर देखने को मिलेंगे, जहां एक तरफ होंगे अक्षय कुमार, वहीं दूसरी तरफ सिम्बा के भाले राव और सिंघम से आतंकबाजी सटकली। सच में रोहित शेट्टी ने इस सुपर कॉप सीरीज से कुछ बहुत बड़ा धमाका करने का सोच रहे हैं थिएटर्स में। अब इस फिल्म से कितना कामयाब हो पाते हैं ये तो रिलीज के वक्त ही पता चलेगा। वेल, दोस्तों, कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार की जोड़ी के बारे में आपकी क्या राय है और आप इस फिल्म का किस वजह से इंतजार कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो। तो क्या होली पर देखने को मिलेंगे सूर्यवंशी, और क्या कनेक्शन है सूर्यवंशी का जैकी श्रॉफ से? सूर्यवंशी के बाद किस सीरीज में काम करेंगे सूर्यवंशी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा अरोड़ और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। अभी पिछले हफ्ते तक ये खबर थी कि हमें सूर्यवंशी रिपब्लिक डे को देखने को मिल सकती है, पर अभी बस कुछ घंटों पहले मिली ताजा खबर के अनुसार हमें सूर्यवंशी फिल्म इस होली को देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब कोरोना की वजह से इस फिल्म के डेट्स तो बुरी तरह डिस्टर्ब हो ही गए हैं। बाकी फिल्मों की तरह पर फैंस ने इसको लेकर रोमांच इतना ज्यादा भरा हुआ है कि लग रहा है कि बस ये जब भी आएगी हिट ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। इस खबर के मुताबिक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बात आपको चौंका देगी। अभी तक तो हम बस ये पता था कि सूर्यवंशी सिम्बा सिंघम का किरदार कौन निभाएगा, पर अभी कुछ वक्त पहले ही हमें ये खबर मिली है कि इसमें तीनों बड़े स्टार्स के सिवा एक और स्टार नजर आएंगे, जो कि सबसे बड़े और पुराने स्टार हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जैकी श्रॉफ की। असल में जैकी इसमें विलेन का किरदार निभाते नजर आएंगे। अब ये तो पक्का है कि वे सूर्यवंशी से लड़ते नजर आएंगे, पर
कि इस फिल्म में या किसी और में। मतलब ये कि अक्षय कुमार के साथ तो लड़ेंगे पर रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी में या किसी और फिल्म में। दोस्तों रोहित शेट्टी का पुलिस यूनिवर्स तो बहुत फिल्मों से भरा है। अब सिंघम 3 में हमें सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा तीनों को एक साथ देखने का मौका मिलेगा, पर इसमें क्या होगा अभी तक ये नहीं पता है। दोस्तों वैसे इस वक्त रोहित शेट्टी काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। सिंघम 3 और सूर्यवंशी को अभी वो निर्देशित करेंगे ही, और साथ में खबर मिल उठी है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी डेब्यू करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डेब्यू करने वाले हैं OTT प्लेटफॉर्म पर रोहित शेट्टी। इस पर वो डेब्यू करेंगे सर्कस सीरीज से, जिसमें कि वो और उनके पुलिस यूनिवर्स के सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह साथ काम करेंगे। दोस्तों सीरीज के बारे में ये खास बात है कि अंग्रेज प्लेराइट विलियम शेक्सपियर के प्ले द कॉमेडी ऑफ सर्कस पर आधारित है। दोस्तों पिछली बॉलीवुड फिल्म जो शेक्सपियर की किताबों पर बेस्ड थी, जैसे मैकबेथ पर बेस्ड हैदर या रोमियो एंड जूलियट पर बेस्ड रामलीला को देख कर लगता है कि ये भी अच्छी ही होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप हमारी अगली वीडियो में किन मूवीज या सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं। स्क्रिप्ट लिखी है प्रणाम का ने। आखिर प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार की अफेयर ने क्यों कर दिया था पूरे बॉलीवुड को अचंभित? अक्षय कुमार के कौन कौन से ऐसे देशभक्ति के डायलॉग थे जिसने लोगों को सीटी बजाने पर मजबूर कर दिया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में घड़ी के साथ साथ कोई चलता है तो वे हैं अक्षय कुमार, और अगर ये पूछा जाए कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी सबसे अच्छा किसका समय चल रहा है तो वह भी है अक्षय कुमार। एक फिल्म स्टार को क्या चाहिए? अच्छा काम, अच्छे पैसे, इज्जत, शोहरत, तारीफ और अच्छी सेहत। वे इन सब मामलों में अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं। अभी किसी भी समय उनकी फिल्म सूर्यवंशी के रिलीज की अनाउंसमेंट हो सकती है और जल्दी फिल्म रिलीज हो जाएगी और हिट भी होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अभिनेता के अंदर वो टैलेंट है जो लोगों को उनकी फिल्म देखने के लिए थिएटर में आने को मजबूर कर सकता है। और उनकी फिल्म देखने पर जब इतने सारे फैंस आएंगे तो फिल्म तो हिट होगी ही, साथ ही अच्छी कमाई भी होगी। उनकी और एक और एक्शन फिल्म आने वाली है जिसका नाम है बेल बॉटम, जल्दी रिलीज हो सकती है ये फिल्म। ऐसी खबरें हैं कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर वासु भगनानी और जैके भगनानी अमेजोन प्राइम वीडियो से इस फिल्म को रिलीज करने की बातचीत कर रहे हैं और उनकी डील लगभग फाइनल है। जल्दी ये फिल्म आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकती है। अक्षय कुमार ने पहले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म लक्ष्मी से डेब्यू कर लिया है, इसीलिए उनको दोबारा वेब प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज करने से कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। अक्षय कुमार हमेशा खबरों में बने रहते हैं। आइए आपको बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ ऐसी खबरें जिसने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को चौंका दिया था। उस दौरान अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा का अफेयर सबसे हॉट टॉपिक था। अक्षय ने खूब सफलता हासिल की, खान्स के बाद वे सबसे बड़े सितारों में शामिल थे। मिस वर्ल्ड का ताज पहनने के बाद दूसरी तरफ प्रियंका ने एक दमदार एंट्री की थी। फिल्म अंदाज में अक्षय के साथ उनकी केमिस्ट्री बेहद ही कमाल की थी और एक साल बाद उन्होंने एक साथ अंतराज में फिल्म में काम किया था। अंदाज और एतराज दोनों में दो अभिनेत्री थी, लेकिन अक्षय और प्रियंका की केमिस्ट्री भी ज्यादा चर्चा थी। वहीं इसी वजह से उनके अफेयर के चर्चे होने लगे। इसकी वजह से अक्षय कुमार की बीवी फिल्म के वक्त सेट पर भड़क गई थी। इसमें सबसे प्रभावशाली फिल्मी परिवारों में से एक शामिल था जब ट्विंकल खन्ना खुद को वक्त के सेट पर उनके इस अफेयर की वजह से खन्ना परिवार की इमेज खराब हो रही थी, क्योंकि ट्विंकल खन्ना डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की बेटी थी। अफवाहें परिवार की प्रतिष्ठा को खतरा पैदा कर रही थी, इसलिए ट्विंकल खन्ना ने उनको खत्म करने का फैसला किया। अक्षय और प्रियंका की सभी फिल्में सफल रही, शायद ही इस उद्योग में आप कभी एक दूसरे की हिट जोड़ी को देखें। 2003 में अंदाज की सफलता के बाद एतराज को 2004 में और भी अधिक सफलता मिली, यहां तक कि उनके अंतिम एसोसिएशन वक्त 2005 में रेस अंगेस्ट टाइम भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अक्षय प्रियंका की जोड़ी को लगातार सफलता मिलने के साथ उनकी बढ़ती केमिस्ट्री लोगों की नजर में आ रही थी और स्पष्ट हो गई थी। आखिरी बार उन्हें एक साथ फिल्म वक्त की 2005 में काम करते देखा गया था। ऐसा बताया जाता है कि ट्विंकल प्रियंका को खरी खोटी सुनाने के लिए फिल्म के सेट पर पहुंच गई थी और वहां जाकर इतना गुस्सा हो गई थी कि अक्षय को उनको संभालने के लिए बीच में आना पड़ा। उस समय इन बातों की बॉलीवुड में बहुत चर्चा हुई थी। अक्षय कुमार ने भले ही एक्शन से भरपूर फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की हो, लेकिन बाद में अभिनेता ने कई देशभक्ति वाली फिल्में भी की। फिल्म हॉलीडे, अ सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी से केसरी तक अक्षय ने कई फिल्में की हैं जिन्हें लोगों ने पसंद भी किया है और भारतीय होने पर गर्व किया। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए तैयार सभी लोगों के लिए हम लाए हैं अक्षय कुमार की देशभक्ति फिल्म से ऐसे डायलॉग जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वे खुद को सीटी बजाने से रोक नहीं पाए।
2014 में अक्षय ने अपनी फिल्म हॉलीडे अ सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी के साथ सभी को आकर्षित किया। फिल्म में जब अक्षय ने तुम लोग परिवार के साथ चैन से जियो, इसीलिए हम लोग रोज बॉर्डर पर मरते हैं डायलॉग सुनाया तो थिएटर में मौजूद पूरे लोग सीटी बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। इसी तरह 2019 में जब उन्होंने केसरी का ये डायलॉग बोला, केसरी रंग का मतलब समझते हो, बहादुरी का रंग, केसरी शहीद का रंग है, केसरी आज मेरी पगड़ी बोली केसरी, जो बहे मेरी लहू वही है मेरी केसरी, मेरी जवां भी केसरी, इस डायलॉग से भी लोगों की फिल्म से मोहित हो गए लोग और उनकी फिल्म सूर्यवंशी भी देशभक्ति से ही जुड़ी है। अब देखते हैं ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है। आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। सूर्यवंशी की रिलीज के लिए मेकर्स ने रख दी है कौन सी बड़ी शर्त? क्या सिनेमा घर के मालिक ये शर्त मानेंगे और क्या इससे आपकी जेब ही कर सकती है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज डेट को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। कभी फिल्म की रिलीज डेट सामने आती है तो कभी मेकर्स इस तारीख को ही गलत बता देते हैं। अब जो सामने रिपोर्ट्स आई है वो थोड़ा सा सिनेमा घरों के जो मालिक है उनके लिए खतरे की घंटी है, साथ में हमारे लिए भी हो सकती है, क्योंकि अब जो मेकर्स हैं उन्होंने सिनेमा घरों के मालिकों से पूरे 70% रेवेन्यू की मांग कर दी है। इससे पहले वो 50% हुआ करता था। इस वजह से जो सिनेमा घर के मालिक है वो भी परेशान है और उन्होंने कहा है, मेकर्स ने कहा है कि सिनेमा घरों की आपको क्षमता बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमने पूरे एक साल इंतजार किया। हम चाहते तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इसे रिलीज कर सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब बदले में उन्हें 70% रेवेन्यू चाहिए। वहीं आपको बता दें, जब बॉलीवुड फिल्म के लिए सिनेमा घरों के मालिक से 70% रेवेन्यू की मांग की गई तो ये पहली बार हो रहा है ऐसा। सिनेमा घर के मालिक को ये मांग गलत लग रही है, साथ ही उनके लिए आर्थिक रूप से ये सही नहीं है। दूसरी तरफ मेकर्स का यही कहना है कि हम तो ऐसा ही करेंगे क्योंकि हमने बहुत नुकसान झेला है, लेकिन मेकर्स को भी ये सोचना चाहिए कि थिएटर्स कब से बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में सिनेमा घरों के मालिकों से इतना जो अधिक रेवेन्यू है वो उसकी मांग करना कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि सूर्यवंशी में अक्षय कुमार के साथ आपको कटरीना कैफ, जावेद जाफरी, जैकी श्रॉफ दिखने वाले हैं अहम भूमिकाओं में, लेकिन जो सबसे खास बात होने वाली है वो है अजय देवगन और रणवीर सिंह। वो भी अजय देवगन दिखेंगे सिंघम वाले किरदार में और रणवीर सिंह दिखेंगे सिम्बा वाले किरदार में, यानी कि जो रोहित शेट्टी ने अपने कॉप यूनिवर्स को बुना है उसी की झलक आपको देखने को मिलेगी। साथ ही एक और खास बात होने वाली है, जिस तरह से सिम्बा में उन्होंने वीर सूर्यवंशी की झलक दिखाई थी तो वैसे ही अब सूर्यवंशी में आपको सिंघम 3 की झलक दिखेगी। ये खुद अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि सिंघम 3 कब आएगी, इसका कोई भी हिंट दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि जब आप सूर्यवंशी देखेंगे तो उसके क्लाइमेक्स में आपको पता चल जाएगा कि सिंघम कब आएगी, क्या होने वाला है। तो एक तरीके से सिंघम के जो फैंस हैं उनको भी इंतजार है सूर्यवंशी का, क्योंकि सूर्यवंशी में पता चलने वाला है सिंघम 3 की कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है। क्या पता वो कुछ सिंघम 3 का जो किरदार है उसकी तस्वीर आपको दिखा दे। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है सूर्यवंशी का? आपको क्या लगता है 70% रेवेन्यू की मांग सही है या गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब। आखिर क्यों फिल्म सूर्यवंशी को लेकर हो रही है फैंस को टेंशन? फिल्म की रिलीज डेट को क्यों बताया जा रहा है एक ही साथ गुड न्यूज भी और बैड न्यूज भी? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित अक्षय कैटरीना स्टार फिल्म सूर्यवंशी इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसके कई कारण हैं, जैसे कि इस बार फिर से हमें खिलाड़ी कुमार का ढांसुआ एक्शन देखने को मिलने वाला है। अक्षय कैटरीना की सुपर हिट जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है और इस फिल्म में एक ही साथ अजय, रणवीर और अक्षय कुमार की फाइटिंग भी देखने को मिलने वाली है। जाहिर है कि फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बेकरार हैं, लेकिन एक निराशाजनक बात ये है कि फिल्म के रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। हालांकि खबरों की माने तो फिल्म 2 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन अब इस डेट से जुड़ी एक नई खबर भी आ रही है। तो क्या है ये और कैसे इस खबर ने फैंस को दो भागों में बांट दिया है, जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।
तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये फिल्म एक साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 2 अप्रैल को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी। देश भर के सिनेमा मालिकों और वितरकों से फिल्म की रिलीज को लेकर मेकर्स की बातचीत भी हो ही रही थी। ऐसे में बस फिल्म को रिलीज किए जाने की तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाना बाकी था, मगर अब हो सकता है कि सूर्यवंशी 2 अप्रैल को भी सिनेमा घरों में रिलीज ना हो, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म की रिलीज की तारीख का आधिकारिक ऐलान रोहित शेट्टी के जन्मदिन यानी कि 14 मार्च को किया जाएगा। इस खबर ने प्रशंसकों को 2 भागों में बांट दिया है। कुछ तो इस बात से नाराज है कि उन्हें इस फिल्म के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, तो वहीं कुछ इस बात से खुश हैं कि आखिरकार फिल्म की रिलीज की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी और अब इस फिल्म को साइना द कंपनी जैसी बॉलीवुड और गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग जैसी हॉलीवुड और वाइल्ड डॉग सिटी मार और सुल्तान जैसी टॉलीवुड फिल्मों से क्लैश का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगता है फिल्म के हीरोज की तरह ही ये फिल्म भी हीरो वाली धमाकेदार और अवेटेड एंट्री मारने की तैयारी कर रही है। अब भाई मेकर से बेहतर तो फिल्म की भलाई के लिए कौन ही सोच सकता है। हम तो यही चाहेंगे कि फिल्म जब भी रिलीज हो सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दे। चलिए अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने बेसब्र हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोस। ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ दे, जाओ दे। ए, तुम चलो। ए बगा, टिकट बगा जाओ। तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके बैग में बॉम्ब है। ये साला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसने देश के तमाम मासूम बच्चों और औरतों की हत्या की है। He's a damn terrorist. गाड़ी चालू करो और चुपचाप फॉलो करो उसे। बरसा पानी के रिमिक्स में रवीना टंडन को लेकर अक्षय कुमार एक बार फिर से क्यों घिस दिए गए। टिप टिप बरसा पानी के तर्ज पर और किस गाने को बनाया गया था? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, टिप टिप बरसा पानी गाना सुनकर सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वही पीली साड़ी पहने बारिश में नाचती झूमती रवीना टंडन। इससे बाकायदा एक जनरेशन की यादें जुड़ी हुई हैं। नो डाउट गाना काफी ब्लॉकबस्टर हिट हुआ और अब अक्षय कुमार अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी में इसे रिमिक्स करने जा रहे हैं। तो इस बारे में अपने फैंस को जानकारी देते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में अक्षय कुमार लिखते हैं, आई वुड हैव डेफिनेटली बीन डिसअपॉइंटेड इफ एनी अदर एक्टर वुड हैव रिक्रिएटेड टिप टिप बरसा पानी, अ सॉन्ग विच हैज बीन सिनोनिमस विद मी एंड माई करियर एंड आई कांट थैंक रतन जैन जी इनफ। एट टाइम्स लाइक दीज यू रियलाइज वी मे हैव Come a long way, but we also go back a long way. लेकिन ये बात अक्षय कुमार के फैंस के गले भी नहीं उतरी कि टिप टिप बरसा पानी उनका गाना है। इस गाने को लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रवीना टंडन के लिए देखा था। इस गाने के बाद रवीना की पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग में भारी उछाल आया था, इसीलिए ये उनके करियर के प्राय वाले लाइन के साथ भी मैच करता है। ये गाना 1994 में आई फिल्म मोहरा का हिस्सा था। इसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और म्यूजिक दिया था विजू शाह ने। इसे अलका याग्निक और उदित नारायण ने मिलकर गाया था। वेल, देखा जाए तो अक्षय कुमार के दिन पहले ही नहीं सही चल रहे, वो जो भी करने जाते हैं वो उल्टा ही हो जाता है। जैसे ये ट्वीट उन्होंने गाने के राइट्स मिलने के बाद रतन जैन को थैंक यू बोलने के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ भी वो ट्रोल कर दिए गए। उनके फैंस ने ही उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि कम से कम रवीना टंडन को क्रेडिट तो दे दीजिए। साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि ये इस क्लासिक को रीमेक करके खराब मत कीजिए, क्योंकि वो इस गाने की रवीना टंडन के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। अक्षय कुमार के ट्वीट पर आए कुछ चुनिंदा कमेंट्स हम आपको सुनाते हैं।
सारे निंजा ने ट्वीट किया है, यू आर अ ग्रेट एक्टर बट टिप टिप बरसा पानी वॉज नेवर सिनोनिमाइज्ड विद यू। रवीना टंडन रेन द शो देयर एंड वॉज द सोल एलिमेंट बिहाइंड इट्स सक्सेस। गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, एल्स इट्स जस्ट अनदर वन ऑफ बॉलीवुड बॉयज क्लब रीमेकिंग एन आइटम सॉन्ग विद एन एक्ट्रेस हाफ देयर एज। वहीं रितु ने ट्वीट किया है, क्रेडिट टू सिजलिंग एट द रेट टंडन रवीना इज मिसिंग, शी डिजर्व्स एट लीस्ट क्रेडिट, शी प्लेड अ ह्यूज रोल। तो रमदास भारद्वाज ने ट्वीट किया है, आई वॉज सो फिक्सेटेड टू एट द रेट टंडन रवीना दैट ओनली लेटर पीपल एट होम सेड यू वर द ऑल्सो देयर। तो सादिया हबीब लिखती हैं, वॉजंट दैट अ रवीना टंडन सॉन्ग, शी वॉज द लीड इन द सॉन्ग, हर एक्टिंग मेड इट अ बिग हिट, हु न्यू यू बैक देन। तो उन्नति मदन ने ट्वीट किया है, आई कांट इमेजिन दिस सॉन्ग विदाउट रवीना इन इट, डोंट रिक्रिएट इट प्लीज। तो एक मोहतरमा ने ट्वीट किया है, दैट सॉन्ग इज सिनोनिमस ओनली विद रवीना टंडन एंड यू डिडंट इवन मेंशन हर, यू वर नॉट इवन द हाईलाइट ऑफ दैट सॉन्ग, गेट दैट क्लियर। तो इन ट्वीट से एक बात तो क्लियर है कि रवीना टंडन की कमी सबको खल रही है, और ये बात साबित भी होती है। आपको अक्षय कुमार की फिल्म दे दनादन तो याद ही होगी। इस फिल्म के गाने गले लग जा को भी टिप टिप बरसा के तर्ज पर ही बनाने की कोशिश की गई थी। इसमें कैटरीना कैफ ने पीली साड़ी भी पहनी थी और पानी झरने के नीचे खड़े होकर डांस भी किया था। और इतना कुछ करने के बावजूद भी ये गाना टिप टिप बरसा की पॉपुलैरिटी के आसपास भी नहीं पहुंच पाया था। अगर आपको अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का ये गाना याद नहीं है तो आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। वेल, अब अक्षय कुमार ये गाना जिस फिल्म के लिए रिक्रिएट करने जा रहे हैं उसे रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं। वेल, आपको बता दें कि सूर्यवंशी में अक्षय कुमार एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ DCP वीर सूर्यवंशी का रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और इस गाने के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और देखते रहिए। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, चलिए कहें कुछ अन कहा सुनाए कुछ अन सुना। क्या मतलब है रोहित शेट्टी कॉपी यूनिवर्स का? आखिर कैसे रोहित शेट्टी ने तैयार किया है एक कॉपी यूनिवर्स? अगर इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सो स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। मैं हूं श्रिया और आपकी आज की होस्ट, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा फेमस और चर्चित फिल्म की, जिसके ट्रेलर ने बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि सभी फैंस के दिलों में बहुत ही ज्यादा जोश भर दिया है, क्योंकि बॉलीवुड में एक बिल्कुल नया कंसेप्ट लेकर आए हैं हमारे डायरेक्टर रोहित शेट्टी। अगर अभी तक नहीं गेस किया तो बता दें कि रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी है, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रोल हो रही है और फैंस काफी एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। और हो भी क्यों ना, आखिर रोहित शेट्टी ने क्रॉसओवर ही कुछ ऐसा तैयार किया है कि क्या कहें। रोहित शेट्टी जाने जाते हैं अपनी एक्शन फिल्म्स और कॉमेडी के दमदार पैकेज के लिए, और इसी के चलते रोहित शेट्टी लेकर आए हैं हम सभी के लिए खास फिल्म सूर्यवंशी। अब बात करें कि आखिर क्या खास है इस फिल्म में जो इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है इसकी, तो चलिए बता दें कि रोहित शेट्टी द्वारा बनाई सिंघम और सिम्बा के दोनों मेन हीरोज यानी कि रणवीर सिंह और अजय देवगन उर्फ सिम्बा और बाजीराव सिंघम भी सूर्यवंशी फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं। मतलब ये कि सूर्यवंशी फिल्म में एक नया किरदार तो होगा ही, उसके साथ ही साथ रोहित शेट्टी के बाकी दोनों दमदार पुलिस ऑफिसर्स भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे, जो कि इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्या होगा इस फिल्म का थीम प्लॉट। रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी के किरदार को सिम्बा मूवी की एंडिंग में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। सूर्यवंशी फिल्म का थीम रहेगा पूरा DCP वीर सूर्यवंशी के ऊपर, जो कि मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ हैं, और वो अपनी टीम के साथ हाथ मिलाएंगे संग्राम भलेराव और DCP बाजीराव सिंघम के साथ, ताकि वो एक काफी खतरनाक टेररिस्ट बैच को मुंबई में अटैक करने से रोक पाए। फिल्म के बारे में फिल्म मेकर्स का कहना है कि ये मॉडर्न एरा पर आधारित बिल्कुल नहीं होगी, मतलब ये कि ये फिल्म होगी 1990s के टाइम की, और उस समय के हिसाब से इस फिल्म को तैयार किया गया है, यानी कि इस फिल्म को उस समय में ट्रैक किया गया है जब CCTV कैमरास नहीं हुआ करते थे और ना ही किसी तरह का सोशल मीडिया, और इसी वजह से फिल्म मेकर्स को फिल्म पर काफी खास ध्यान देना पड़ा है कि आखिर वो कैसे दिखाएंगे अक्षय और उनकी टीम को एक मिशन सॉल्व करते हुए, वो भी ऐसे टाइम में जब पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आज के टाइम जैसे इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे। और ऊपर से पहली बार रोहित शेट्टी ने 90s के बैकड्रॉप दिखाने की कोशिश की है, और ये फिल्म एक मेगा फिल्म तो है ही। रोहित की ज्यादातर फिल्म्स लाइट हार्टेड होती है, मगर सूर्यवंशी के बारे में उनका कहना है कि ये रोहित शेट्टी ने कर लिया लंबी प्लानिंग। सिंघम 3 में अजय देवगन से भिड़ते नजर आएंगे सूर्यवंशी के विलेन। एक समय में सलमान के साथ रह चुकी अभिनेत्री कैटरीना कैफ क्या कहती है सलमान के बारे में, उनके अलावा किस किस से जुड़ा उनका नाम। जब से सरकार की तरफ से फिल्मों की शूटिंग की इजाजत मिली है,
तब से सारे फिल्म मेकर्स अपने अपने काम में लग गए। लेकिन निश्चित रूप से रोहित शेट्टी के लिए ये करना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि उनकी फिल्म सूर्यवंशी रिलीज के लिए तैयार थी। लेकिन वो फिर भी नहीं रुके, वो भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं जो भी ऐसे वैसे नहीं है, पूरी दमदार तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि वो बॉलीवुड के टॉप निर्देशक में से एक होंगे। सूर्यवंशी को हिट करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, बाकी वह उनका ध्यान दूसरे प्रोजेक्ट पर है। फिलहाल तो वो अपनी फिल्म सर्कस पर फोकस कर रहे हैं जिसका आप रणवीर सिंह के साथ पूजा हेगड़े और जैकलिन फर्नांडिस को देख सकते हैं। बाकी उनके सबसे हिट फिल्म फ्रेंचाइजी सिंघम के भी अगली कड़ी का इंतजार कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या उनके प्रोजेक्ट की अपडेट। जैसे कि लोगों को लगा कि अब सिंघम सीरीज के आगे ना ले जाते हुए उनका एक फोकस अपने कॉप यूनिवर्स पर होगा, लेकिन सिंघम के डिमांड को देखते उन्होंने फिर से सिंघम सीरीज को अलग से आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो इस फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग ना करते हुए सूर्यवंशी फिल्म की कहानी को सिंघम 3 से जोड़ी जाएगी। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म सूर्यवंशी और सिंघम 3 के विलन एक ही होने वाले हैं। जैसे कि आपको हमारे पुरानी वीडियो में अपडेट दिया था कि इस फिल्म में जैकी श्रॉफ एक खूंखार विलन के किरदार में नजर आने वाले। अगर खबरों की मानो तो ऐसा बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार के बाद अजय देवगन सूर्यवंशी विलन के यानी जैकी श्रॉफ से लड़ते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आपको हमारे पुरानी वीडियो में अपडेट दिया था कि इस फिल्म में जैकी श्रॉफ एक खूंखार विलन के किरदार में नजर आने वाले। अगर खबरों की मानो तो ऐसा बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार के बाद अजय देवगन सूर्यवंशी के विलन यानी कि जैकी श्रॉफ से लड़ते नजर आएंगे। इस बात से एक बात तो है और पक्की हो जाती है कि अपने बीडू ऐसे वैसे नहीं बल्कि अभी तक के सबसे बड़े विलन के किरदार में नजर आएंगे। अब देखते हैं उनका ये किरदार फैंस को कितना पसंद आता है। इस फिल्म के रिलीज होने की खबर आते ही फिल्म से जुड़कर कोई सुर्खियों में आ गया। इस फिल्म की अभिनेत्री कैटरीना कैफ भी चर्चाएं में हैं। उनकी खबरों में बने रहने की वजह सिर्फ यह फिल्म नहीं उनकी पर्सनल लाइफ है। फिलहाल वो विक्की कौशल के साथ अपनी अफेयर को लेकर चर्चा में है। ये पहली बार नहीं है कि वो अपने अफेयर को लेकर चर्चा में। इससे पहले वो सलमान खान के साथ 7 साल तक रिलेशनशिप में थी। जब उनके साथ बातें खराब होने लगी तो वो दोनों अलग हो गए, लेकिन वो आज भी अच्छे दोस्त है। वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उसके बाद उनका नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ा, लेकिन उनके साथ भी वो ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। अभी तो विक्की कौशल और कैटरीना कैफ हर जगह साथ देखे जाते हैं। अभी तक उन दोनों ने अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया है। देखते हैं वो अब किस बात को मना करते हैं। फिलहाल अभिनेत्री अपनी फिल्मों को लेकर व्यस्त हैं। देखते हैं उनकी यह फिल्म फैंस को कितनी पसंद आती है। इस फिल्म के लिए कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने। तो कब दिखने वाली है सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर और क्या एक बार फिर से ये टल सकती है? क्या है पूरा मामला? सूर्यवंशी को किस लड़की ने एक बार रिजेक्ट कर दिया था? क्या कहा था अक्षय कुमार ने उस इंसिडेंट के बारे में? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज मैं बात करूंगी अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। मेरा नाम है निदा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप सूर्यवंशी के बारे में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है सूर्यवंशी और ये फिल्म कब तक रिलीज होगी। जैसा कि आपको पता है कि रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की एक कड़ी है सूर्यवंशी, जिसमें अक्षय कुमार एक ऑनेस्ट पुलिसमैन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में वो दुश्मनों को मारते हुए नजर आएंगे और टाइम के साथ लड़ाई करते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये फिल्म हमेशा की तरह पोस्टपोन हो जाती है, यानी कि जब भी खबर आती है कि ये फिल्म इस तारीख को रिलीज होने वाली है तो कुछ दिन बाद ही खबर आ जाती है कि ये फिल्म पोस्टपोन हो गई है। आपको बता दूं कि ये फिल्म 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन पैंडमिक की वजह से इस फिल्म को रिलीज नहीं मिल पाई। अब खबर आ रही है कि ये फिल्म होली में रिलीज हो सकती है, लेकिन अब सोर्सेज का कहना है कि एक बार फिर से निर्देशन मेकर ने फैसला किया है कि वो फिल्म रिलीज नहीं करने वाले। तो क्या और कब रिलीज होने वाली है सूर्यवंशी और क्यों अक्षय कुमार अपने फैंस के दिलों के साथ खेल रहे हैं? उन्होंने कहा है कि सूर्यवंशी हम तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक एक्टिव यूजर्स नहीं आने लगेंगे, यानी कि COVID-19 नहीं खत्म हो जाएगा और बहुत मात्रा में लोग थिएटर नहीं आने लगेंगे, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरीके से कमर्शियल फिल्म है और थिएटर के लिए ही बनाई गई है। और अगर इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाता है तो ये फिल्म का हाल बुरा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी कमर्शियल फिल्म जैसे कि कुली नंबर 1, लक्ष्मी और सड़क 2, ये सारी फिल्में थिएटर में रिलीज होने वाली थी लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई और उसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने इस फिल्म को नकार दिया। तो निर्देशन मेकर का ये भी कहना है कि वो इस तरह की फिल्म अगर OTT प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो बुरी तरीके से नकार सकते हैं, इसलिए हम इस फिल्म को अभी रिलीज नहीं कर सकते। बाकी अब ये फैंस के लिए काफी बुरी खबर हो गई, क्योंकि सूर्यवंशी कब रिलीज होगी इसके बारे में कोई भी आइडिया कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि जब तक पैंडेमिक कंट्रोल में नहीं आ जाता ये फिल्म रिलीज नहीं होगी।
बाकी चलिए कुछ अच्छी बातें भी करते हैं कि अक्षय कुमार यानी कि सूर्यवंशी जो कि बहुत अच्छे नेचर के लिए जाने जाते हैं और इनकी लव लाइफ के चर्चे तो काफ़ी हैं, चाहे वो रवीना टंडन हो, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो और चाहे वो खुद ट्विंकल खन्ना हो। अक्षय कुमार के इतने चर्चे हैं कि उनकी रोमांटिक फ्रेंचाइजी बन जाए, इतनी सारी फिल्में बन जाएं। तो इतनी सारी एक्ट्रेस ने दिल दिया था अक्षय कुमार को, लेकिन अक्षय कुमार का वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसमें लड़की ने इनको रिजेक्ट कर दिया था? तो अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में एक बात साझा की थी कि वो एक डेट पर गए थे लड़की के साथ और वो बहुत शाय थे, वो बोल नहीं रहे थे ज़्यादा, वो लड़की ही बोलती जा रही थी। और फिर उसने एक ऐसी डिमांड रख दी कि अक्षय कुमार पूरी ही नहीं कर पाए। उसने कहा कि मुझे किस करो। अक्षय कुमार झटपटा गए और इन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें और उन्होंने ना कह दिया। फिर क्या था, लड़की को बुरा लग गया और लड़की ना कहकर चली गई। इस बारे में अक्षय कुमार काफ़ी हंसते हैं और आज वो यही बात करते हुए याद करते हैं उन पलों को। बाकी आई होप सो कि लड़की की तरह दर्शक अक्षय कुमार के फिल्म सूर्यवंशी को ना नकारे। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थे अक्षय कुमार और उनकी फिल्म सूर्यवंशी से जुड़े कुछ फैक्ट। ऐसे फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, जहाँ पर हम क्या है राज रोहित शेट्टी की सुपरहिट फिल्मों के बारे में। क्या रोहित शेट्टी अपना बैक टू बैक सुपरहिट फिल्म देने के रिकॉर्ड बरकरार कर पाएंगे? सूर्यवंशी रोहित के लिए लकी साबित होगी या नहीं? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई और चटपटी वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं लगातार सुपरहिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी फिल्म के बारे में। जरूर सूर्यवंशी एक सुपरहिट फिल्म होगी, क्यों ना हो भाई। फिल्म में लीड खिलाड़ी कुमार जो है सूर्यवंशी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जो यूनियन सज्जवाल, फरहाद सामजी, संचित बेंद्रे और विधि गोदनाकर द्वारा लिखित है, जो रोहित शेट्टी की एक मूल कहानी पर आधारित है और शेट्टी द्वारा हीरो यश जोहर, अरुणा भाटिया के साथ मिलकर बनाई गई है। करण जौहर और अपूर्वा मेहता धर्मा प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स बैनर के तहत। इसलिए पहले रोहित शेट्टी ने 2018 में सिम्बा, 2011 में सिंघम, चेन्नई एक्सप्रेस जैसे कई सुपरहिट फिल्में की हैं। सूर्यवंशी के में लीड हैं अक्षय कुमार और कटरीना कैफ। आपको बता दें अक्षय कुमार और कटरीना कैफ ने पहले साथ में काफी फिल्में की हैं, पर 2010 में उन्होंने साथ में 30 मार खां की थी और अब 10 साल बाद दोनों ने फिल्म सूर्यवंशी में काम किया। फैंस काफी खुश हैं उनकी मन पसंदीदा जोड़ी 10 साल बाद साथ में बड़े पर्दे पर आ रही है। रोहित और अक्षय की जोड़ी ने फिल्म में लाइफ के एक्शन सीन्स को रियल में करने का बड़ा लाने का वादा किया है। आइए जानते हैं फिल्म में जुड़े कुछ चटपटी बातों के बारे में। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी पहली मूवी है जिसमें वो रोहित शेट्टी के साथ काम कर रहे हैं। इसके पहले रोहित शेट्टी सर अक्षय कुमार ने किया फिल्म साथ में नहीं किया है। अजय देवगन और अक्षय कुमार 15 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। उन्होंने 2005 में इंसान मूवी में साथ काम किया था और अब 15 साल बाद सूर्यवंशी। सिम्बा 2018 के अंतिम क्रेडिट के दौरान सूर्यवंशी फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी। सिम्बा फिल्म की एंडिंग में अक्षय कुमार के सीन दिखाया गया था। अक्षय कुमार के कैरेक्टर का नाम वीर सूर्यवंशी है। सलमान खान 1992 की फिल्म सूर्यवंशी और 2010 की फिल्म वीर की लीड रोल थे, पर दोनों ही फिल्में बड़े पर्दे पर बिग फ्लॉप साबित हुई। रोहित शेट्टी और कटरीना कैफ की भी सूर्यवंशी फर्स्ट फिल्म है। जैसा कि अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने वादा किया था, फिल्म सूर्यवंशी में खिलाड़ी कुमार ने अपने स्टंट्स खुद किए हैं, जिसमें से एक स्टंट हेलीकॉप्टर से हैंग करते हुए है। फिल्म के पहले दो पोस्टर्स मार्च 5, 2019 में आए थे, जिसमें ईद 2020 के रिलीज की अनाउंसमेंट की गई थी। फिल्म की रिलीज कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन की गई है। फिल्म 24 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली है। सूर्यवंशी कॉप यूनिवर्स की फोर्थ फिल्म है। गुलशन ग्रोवर जो कि विलन की भूमिका से जाने जाते हैं, इस फिल्म के माध्यम से लंबे समय के बारे में फिल्म लीड रोल विलन के किरदार निभा रहे हैं। अक्षय कुमार और रणवीर सिंह पहली बार ऑन स्क्रीन साथ में दिखाई देने वाले हैं। जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर को सीक्रेट रखा गया है फिल्म की शूटिंग पूरे होने तक। उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट कहा गया है। ट्रेलर फिल्म के रिलीज के 22 दिन पहले रिलीज किया गया था, 2 मार्च 2020 को। मेकर्स कॉन्फिडेंट थे कि 22 दिन प्रमोशन के लिए इनफ है। 3 डेज तक शूटिंग करने के बाद नीना गुप्ता के कैरेक्टर को निकाल दिया गया, क्योंकि उनके ट्रैक फिल्म में काम नहीं कर रहा था। उन्हें अक्षय कुमार की माँ की भूमिका निभानी थी। जावेद जाफरी की रोहित शेट्टी के साथ फर्स्ट फिल्म है। सूर्यवंशी पहली ऐसी फिल्म है रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में जिसकी स्टोरी ओरिजिनल है। पहले फिल्म एग्जिस्टेड वर्क पे बेस्ड थी। फेमस इंडियन वाइनर आशीष चंचलानी फिल्म के प्रमोशन में शामिल हुए थे। कुछ रूमर्स तो ऐसे भी थे कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी में अनबन चल रही थी। अक्षय कुमार थोड़े समय के बाद पुलिस की भूमिका निभा रहे हैं। इसके पहले अक्षय कुमार ने राउडी राठौर, गब्बर इज बैक, खाकी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्मों में पुलिस की भूमिका निभाई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह लगता है कि सूर्यवंशी भी सुपरहिट फिल्म होगी और रोहित अपना कमबैक तो सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड बरकरार रखेंगे।
बेशक रोहित शेट्टी की अगली फिल्म लकी साबित होगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई और चटपटी बातों के साथ। तब तक कब आया मूवी का ट्रेलर, क्या है मूवी की कास्ट, क्या फाइनलाइज हुई मूवी की रिलीज डेट, सभी सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे, बने रहे हमारे साथ। नमस्ते एंड सलाम, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। सूर्यवंशी आने वाली हिंदी लैंग्वेज एक्शन फिल्म है। फिल्म की शूटिंग 2019 में स्टार्ट हुई थी और 2019 नवंबर में कंप्लीट भी हो गई थी। मूवी की रिलीजिंग पहले 24 मार्च 2020 को थी, लेकिन कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो गई। मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी है और उसे कहा जा रहा है कि मूवी का जेनर सिंघम और सिम्बा जैसा ही है। मूवी का प्रोडक्शन रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस के अंदर होगा। फिल्म की कास्ट के बारे में बात करें तो अक्षय कुमार इसमें लीड रोल करते नजर आएंगे, जो कि चीफ ऑफ एंटी टेररिज्म स्क्वाड का है। अक्षय ने हाल ही में अपनी फिल्म बेल बॉटम और बच्चन पांडे की शूटिंग कंप्लीट करी और अब बीबी वो अपनी अगली फिल्म राम सेतु की शूटिंग में लग गए हैं। मतलब आने वाला साल अक्षय के फैंस के लिए सरप्राइज से भरा होगा। लीड एक्ट्रेस का रोल कैटरीना कैफ निभाएंगी, जो अक्षय कुमार की वाइफ का होगा। अक्षय और कैटरीना 10 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। आखिरी बार दोनों 30 मार खां में साथ देखे गए थे। मूवी को कुछ ज्यादा प्यार नहीं मिल पाया, मगर अक्षय और कैटरीना के डियो को हमेशा से ही पसंद किया गया है। इस फिल्म में रणवीर और अजय का भी कैमियो होगा। रोहित शेट्टी की मूवी हो और उसमें अजय ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे रणवीर की सिम्भा में अजय का गेस्ट अपीयरेंस था, वैसे ही इस बार सूर्यवंशी में रणवीर और अजय का गेस्ट अपीयरेंस होगा। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी में एक्शन ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं। रोहित शेट्टी की मूवी में एक्शन होना तो जरूरी होता है। अक्षय एक कॉप का रोल करने वाले हैं, जो कि इंस्पेक्टर संग्राम भाले राव रणवीर और डीसीपी बाजीराव सिंघम अजय के साथ अपनी टीम ज्वाइन करते हैं मुंबई के टेररिस्ट अटैक रोकने के लिए। इस मूवी में दोबारा अक्षय एक हेलीकॉप्टर स्टंट परफॉर्म किया है। इसे पहले अक्षय ने 28 साल की उम्र में ये स्टंट किया था एक मूवी के लिए। अब दोबारा 52 इयर्स की उम्र में खिलाड़ी कुमार के स्टंट सेम डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करते नजर आएंगे। इस वजह से आज भी अक्षय को फिटेस्ट एक्टर कहा जाता है। वो कोई स्टंट डबल भी नहीं यूज करते और बाकी सब एक्टर जो स्टंट करते हैं वो डरते हैं कि कैसे स्टंट होगा। अक्षय ऐसे ही कर लेते हैं। हाल ही में अक्षय की लक्ष्मी की रिलीज हुई और उसमें उनका रोल ऑडियंस को बहुत पसंद आया। अक्षय हमेशा से ही अपने रोल को लेकर चर्चित रहते हैं। उनकी अपनी आने वाली फिल्म बच्चन पांडे और राम सेतु में भी उनको लुक काफी अलग है। सूर्यवंशी की रिलीज अब जनवरी 2021 को बताई जा रही है, तो देखते हैं फैंस को अक्षय सरप्राइज करते हैं और सबका इंतजार तोड़ते हैं। हम जल्द ही लौटेंगे एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज कौन है निहारिका रायजादा और ऐसा क्या नाता है उनका सूर्यवंशी फिल्म से कि उन्होंने इस फिल्म की इतनी बड़ाई की है? और दोस्तों क्यों लोग अक्षय कुमार को नहीं बल्कि सलमान खान को सूर्यवंशी समझ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा अरुण और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। तो आपने सूर्यवंशी फिल्म के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही टाइम से ट्रेंड कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके डायरेक्टर हैं रोहित शेट्टी और इसमें हमें नजर आने वाले हैं अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की ये फिल्म बहुत टाइम पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है। और इस फिल्म से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हमेशा हमारे सामने ही आती रहती हैं। इनफैक्ट अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ से जुड़ी बहुत सारी खबरें सामने आती हैं, लेकिन आज मैं इस फिल्म से रिलेटेड एक ऐसे कैरेक्टर की, एक ऐसे एक्टर की बात करने वाली हूँ जो इसमें सपोर्टिंग रोल प्ले करती नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जिंदगी जीती हैं और इनके बारे में जानकर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज किसकी बात कर रही हूँ। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ इसकी सपोर्टिंग एक्ट्रेस निहारिका रायजादा की। जी हाँ दोस्तों, निहारिका असल में दिवंगत संगीतकार ओपी नायक की पोती हैं और ये लग्जमबर्ग देश में पैदा और बड़ी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी और काबिल हैं कि भारत और लग्जमबर्ग के गणराज्यों के बीच मानद सांस्कृतिक और कला राजदूत भी यही हैं। असल में इन दोनों देशों के कलात्मक आधार पर संबंधों को बनाए रखने का ये काम करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में बहुत दिलचस्पी रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, पर इनकी भारतीय जड़ों की वजह से ही शायद इन्हें बॉलीवुड कुछ खास लगता है और इनकी बॉलीवुड में पहली जॉब है जो इस फिल्म में वो अभिनय करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो 6 भाषाएं जानती हैं और दुनिया के बहुत से हिस्सों को इन्होंने देखा है, पर उनका कहना है कि भारत उनके दिल में एक अलग जगह रखता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत ने उन्हें धैर्य सिखाया है। असल में इतनी उपलब्धियां नहीं बल्कि वे ऐसे पहले भारतीय हैं जो कि लग्जमबर्ग से फिर भी उन्होंने मिस इंडिया के ताज से नवाजा गया है। जी हाँ दोस्तों, लग्जमबर्ग होने के बावजूद उनको मिस इंडिया के ताज से नवाजा गया, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में।
अब वे ये कह रही हैं कि उनको सूर्यवंशी फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ज्यादा पसंद आई और भारत में सूर्यवंशी फिल्म की अभिनय करने के लिए रुकना उनके लिए बहुत ही एक उपयोग का वक्त रहा। उन्हें बड़ी सारी बातें जानने को मिली और अब ये फिल्म करने के बाद उनका कहना है कि वो और भी देशों में अलग अलग भाषाओं में फिल्में ज़रूर करना चाहेंगी। इनफैक्ट ये तो चाहती हैं कि ऐसी हर भाषा की फिल्म में काम करें जो वो जानती हैं। अब दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको इन हस्ती के बारे में जानकर ज़रूर अच्छा लगा होगा क्योंकि सच में ये बड़ी रोमांचक कलाकार हैं। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर पे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर पे बढ़ते हुए हम आपको बता दें, असल में आजकल पता नहीं क्यों पर नेटिजंस जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत पोस्ट कर रहे हैं कि भले ही सूर्यवंशी नाम से एक नई फिल्म आ जाए जिसमें कि अक्षय कुमार सूर्यवंशी का किरदार निभा रहे हों, पर उनके लिए तो हमेशा सलमान खान ही सूर्यवंशी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, उनका ये कहना है कि अक्षय कुमार भले ही सूर्यवंशी का किरदार निभा रहे हों लेकिन सलमान खान ही उनके लिए असली सूर्यवंशी हैं। और दोस्तों मैंने इस बात के बोले जाने की वजह का पता लगा लिया है बिल्कुल आपके लिए। तो असल में बात यह है कि 1992 में एक और फिल्म आई थी इसी नाम से जिसका नाम भी सूर्यवंशी था। दोस्तों इस फिल्म में अब तो आप समझ गए होंगे कि सलमान खान यानी कि सल्लू भाई ने मुख्य अभिनेता का किरदार निभाया था। उनके साथ साथ इसमें अमृता सिंह और शीभा भी नजर आए थे। दोस्तों ये फिल्म असल में फ्लॉप हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, मतलब ऐसी फ्लॉप की भी अब आप में से बहुत कम ही लोग हैं जो जानते होंगे कि इस नाम की कोई और फिल्म पहले से आई हुई है। ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप इसका नाम नहीं जानते हैं तो यही बात है कि आपको नहीं पता है कि सूर्यवंशी नाम की सलमान की एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने अभिनय किया था। पर उनके फैंस तो उनके फैंस हैं जो हमेशा ही उन्हें बढ़ावा देते रहते हैं, उनकी फिल्मों की जैसी भी स्क्रिप्ट हो देखने पहुंच जाते हैं और उसको सुपर हिट से ब्लॉकबस्टर भी बना देते हैं। असल में इसमें सलमान खान के किरदार का रूप तो वो बड़ा ही अजीब था और अब उसे देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि सलमान यही सोचेंगे कि ये फिल्म उन्होंने क्यों की थी। इसमें उन्हें मैन या टार्जन जैसा लुक दिया गया था पर जो विग उन्होंने लगाई थी और जो उनका मेकअप था वो इतना ज्यादा खराब था कि वो किसी बी ग्रेड फिल्म की तरह लग रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ साल पहले इस फिल्म में सलमान के लुक पर इतने मीम्स बन रहे थे कि आने वाले सूर्यवंशी से ज्यादा लोग उस मीम वाले सूर्यवंशी को पहचानते हैं और इसी वजह से ऐसा सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि सलमान खान ही उनके लिए। कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर बनाया एक नया रिकॉर्ड। आखिर ऐसा क्या किया अभिनेत्री ने जो बन गई चर्चा का विषय। अक्षय कुमार ने उड़ाया अपनी बीवी की ड्रेस का मजाक, अपनी इस वीडियो के साथ मस्ती करते दिखे और लोगों को दिया कपल गोल्स। आखिर आदित्य रॉय कपूर और कैटरीना कैफ को क्यों कहा गया कैन और बारबी। कैटरीना कैफ दिखी एक अलग मिशन पर, उनका ये काम है हर किसी के लिए एक मिसाल। फिल्म सूर्यवंशी से जुड़े नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। इंसान की खूबसूरती उसके चेहरे से नहीं दिल से होती है। वो इंसान ज्यादा खूबसूरत होते हैं जिनके दिल खूबसूरत होते हैं, लेकिन हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ सूरत से ही नहीं बल्कि सीरत से भी खूबसूरत है। जितना अच्छा उनका चेहरा है उतना ही अच्छा उनका दिल भी है। उनके लुक से ज्यादा अब लोग उनके काम की वजह से उनके फैन हो गए हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं अभिनेत्री कैटरीना कैफ की, जो सबके लिए एक मिसाल बनी हुई है क्योंकि वो जो कर रही हैं वो एक अच्छे इंसान के गुण हैं और ये गुण उनमें भरे हुए हैं। उनके पास किसी बात की कमी नहीं है, इसलिए वो ऐसे लोगों की मदद कर रही हैं जिनको जरूरत है। पहेलियां ना बुझाते हुए हम आपको बता दें कि अभिनेत्री एक नए मिशन पर हैं और हर किसी के लिए मिसाल बनी हुई हैं। इस महामारी की वजह से लंबी ब्रेक के समय अभिनेत्री अपनी आने वाली फिल्मों की तैयारी में लगी थी। उन्होंने खुद को अपने सारे प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट पढ़ने में व्यस्त कर रखा था। हम आपको बता दें कि वो सिर्फ अपने काम में व्यस्त नहीं थी बल्कि वो इसके साथ दूसरे काम भी कर रही थी। वो एक एनजीओ का हिस्सा है जिसकी मदद से वो गांव की छोटी लड़कियों को उचित शिक्षा और उनका हक दिलाने के लिए काम कर रही है। खबरों की माने तो पिछले साल ही अभिनेत्री ने कुछ लड़कियों से बात की ताकि वो उनकी जरूरतों को समझ सके और उनको सही रास्ता दिखा सके। छोटे गांव में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जाती और इसको ही बदलने के लिए अभिनेत्री फिलहाल ऐसे गांव के बारे में पता कर रही हैं जहां ऐसे जेंडर की वजह से लड़कियों को पढ़ाई से दूर रखा जाता है। लॉकडाउन से पहले वो मध्य प्रदेश में ऐसे ही गांव में गई थी। एक एनजीओ की मदद से वो लोग 7,50,000 का स्कूल में दाखिला करवाया और उनकी वजह से लड़कियों की पढ़ाई के हालात पहले की तुलना में काफी सामान्य हो गए हैं। आपको बता दें कि अभिनेत्री इसके साथ ही किसी और बात की वजह से भी चर्चा में बनी हुई हैं और इससे ही उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया है। उनकी सुर्खियों में बने रहने की वजह है उनकी एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनकी एक पोस्ट की गई तस्वीर को एक नहीं दो नहीं बल्कि 1.5 करोड़ लोगों ने देखा है। इसके साथ ही अभिनेत्री ने सबसे ज्यादा देखी गई तस्वीरों में ये शामिल हो चुकी है और एक नया रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। जहां एक और सूर्यवंशी की अभिनेत्री सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तो अक्षय कुमार कैसे पीछे रह सकते हैं। अभी उनकी भी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ दिख रहे हैं
और इतना ही नहीं, इस वीडियो में वो अपनी पत्नी की ड्रेस का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं और फैंस इस वीडियो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। कैटरीना कैफ वैसे तो बहुत सफल अभिनेत्री हैं और उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी थी जो सफल नहीं हुई। लेकिन आपको बता दें कि उनकी फिल्म फितूर भले ही सफल नहीं रही, लेकिन आदित्य रॉय कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों ने काफी पसंद की थी। इसके अलावा उनकी फिल्म को आए 4 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई जिसको लोग केन और बार्बी कह रहे हैं। आपको बता दें, बार्बी एक तरह की गुड़िया है जो हर जगह मशहूर है। लोग उन दिनों की काफी तारीफ कर रहे हैं और वो दोनों लग भी काफी प्यारे रहे हैं। उनकी फिल्म भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन उनकी दोस्ती अब भी बरकरार है। वो लोग एक दूसरे को जन्मदिन पर विश भी करते हैं। क्या आप इस जोड़ी को दोबारा स्क्रीन पर देखना चाहते हैं? अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आखिर अक्षय कुमार के लगातार फोर्ब्स 100 की लिस्ट में बने रहने के पीछे का क्या है वजह? क्या वजह है कि बॉलीवुड के बड़े सितारे भी नहीं है उसके आसपास? अक्षय कुमार और नूपुर सैनन के गाने फिलहाल ने बनाया ये रिकॉर्ड। कैसे मनाया इस खुशी का जश्न? नूपुर सैनन को क्या तोहफा मिला उनके जन्मदिन पर? उन्होंने क्या कहा कि उससे बेहतर कोई और तोहफा हो नहीं सकता? फिल्म सूर्यवंशी से जुड़े नए अपडेट के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। अक्षय कुमार ने एक साल में लगभग 4 फिल्में बनाने का रिकॉर्ड तो बना ही लिया है, लेकिन और भी कई रिकॉर्ड हैं जो बॉलीवुड में खुद बनाए हैं, जैसे कि सबसे हिट एक्टर और सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला एक्टर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अक्षय कुमार ही क्यों? बॉलीवुड में और भी बड़े काफी एक्टर्स हैं जो उनके बराबर हैं, उनसे ज्यादा फीस चार्ज भी करते हैं, लेकिन उनका ही नाम फोर्ब्स के टॉप 100 रिचेस्ट सेलिब्रिटीज में क्यों आता है? आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह। आपको बता दें, इस लिस्ट में शामिल होने वाले वो भारत के इकलौते सेलिब्रिटी हैं और ये पहली बार नहीं है जब उनको नाम इस लिस्ट में आया है। वो पहले भी साल 2019 में इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुके हैं। पिछली बार उन्होंने 33वें नंबर पर जगह बनाई थी और इस बार वो 52वें नंबर पर है। आपको भी ये लग रहा होगा कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के होते हुए भी उन्होंने कैसे इस लिस्ट में जगह बनाई। आइए आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। इससे सबसे पहले इसकी वजह यह है कि उनके साल में लगभग 4 फिल्में तो रिलीज होती ही हैं, जो किसी भी एक्टर की नहीं होती। साल 2019 में किसी एक्टर की कोई हिट फिल्म भी नहीं आई थी और लॉकडाउन के समय जब सबका काम बिल्कुल बंद हो गया था, उस हालात में काफी तेजी से अक्षय कुमार ने अपना प्रोजेक्ट संभाले और उस पर जल्दी जल्दी काम भी किया, जबकि सारे एक्टर्स अपने प्रोजेक्ट ही चुनने में व्यस्त थे। इसकी दूसरी वजह यह है कि जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, अक्षय कुमार उन सब की पहली पसंद है। उनको एक साल में काफी सारे एड्स और के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तीसरी वजह है कि उनके बिजनेस की स्ट्रेटजी काफी अलग है। वो काफी प्लानिंग करके सारा काम करते हैं। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनके साथ उनके प्रोड्यूसर्स को भी अच्छी खासी कमाई हो। यही वजह है कि हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। वो सिर्फ एक्टिंग और एडवर्टाइजमेंट से ही नहीं, बिल्कुल वो फिल्म प्रोड्यूसर्स करके भी पैसे कमाते हैं। ये सारी बातें वो उनके बाकी अभिनेता से अलग करती हैं और उनको काम के प्रति जो डेडिकेशन और उसकी वजह से वो फोर्ब्स की लिस्ट में लगातार बने हुए हैं। जब बात रिकॉर्ड की हो रही है तो आपको बता दें कि एक और रिकॉर्ड है जो अक्षय कुमार ने अपने नाम कर लिया है। अभी कुछ समय पहले उनका एक एल्बम सॉन्ग आया था जिसका नाम फिलहाल था और वो इस गाने में नूपुर सैनन के साथ नजर आए थे। इस गाने ने यूट्यूब पर 90 करोड़ के व्यू का रिकॉर्ड पार कर लिया है। किसी भी वीडियो का ये रिकॉर्ड बनाना काफी बड़ी बात होती है। जब से ये गाना रिलीज हुआ है तब से ही ये गाना काफी पॉपुलर हुआ और इतने समय बाद भी इस गाने को काफी अच्छा क्रेज बना हुआ है। इस गाने की चर्चा इतनी ज्यादा हो गई है कि अब तो इस गाने का दूसरा भाग भी जल्दी रिलीज होने वाला है। अभी नूपुर सैनन और अक्षय कुमार दूसरे गाने की शूटिंग पूरी कर रहे हैं जिसका नाम फिलहाल 2 है और इस सेट पर नूपुर सैनन ने अपना जन्मदिन भी बनाया। अभिनेत्री ने सेट पर भी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो अक्षय कुमार, एमी विर्क और जानी भी हैं। तस्वीर शेयर करते हुए नूपुर ने लिखा कि ये उनका फिलहाल जन्मदिन था जिसमें वो काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि वो काफी खुश हैं और इससे बेहतर उनका जन्मदिन हो ही नहीं सकता। अक्षय कुमार की बात करें तो वो पूरे स्पीड से काम करने में लगे हुए हैं। कभी भी गाने की शूटिंग, कभी भी एड की शूटिंग, कभी फिल्मों की शूटिंग, कभी फिलहाल बेल बॉटम, बच्चन बांडे, राम सेतु पर काम करें। उनकी फिल्म सूर्यवंशी भी जल्द ही रिलीज होने वाली है जिसके लिए निर्देशक और फिल्म के एक्ट्रेस रिलीज की तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखते हैं इसकी तारीख कब तक सामने आती है। फैंस इस फिल्म की बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उससे सबसे खास बात यह है कि अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ 10 साल बाद साथ काम करने आ रहे हैं।
आप इस फिल्म के लिए कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे अक्षय कुमार की सूर्यवंशी कब रिलीज होने वाली है, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें और आखिर क्यों अक्षय कुमार ने एक यूट्यूबर पर ठोका 500 करोड़ की मानहानि का दावा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जोयाल। अक्षय कुमार की बहुत सारी फिल्में आने वाली है लेकिन सबसे ज्यादा बज बना हुआ है सूर्यवंशी के लिए क्योंकि इसका ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। सिम्बा सिंघम यानी कि अजय देवगन, रणवीर सिंह भी इसमें होने वाले हैं, कैटरीना कैफ है, बहुत टाइम बाद कैटरीना और अक्षय कुमार को पर्दे पर एक बार फिर से देखा जाएगा, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन जो सुर्खियां बनी हुई है अक्षय कुमार से जुड़ी हुई खबर वो ये है कि उन्होंने एक यूट्यूबर पर 500 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया है। आखिर ऐसा क्यों किया है, कौन है ये यूट्यूबर, मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। इस यूट्यूबर का नाम है राशिद सिद्दीकी और अक्षय कुमार ने ये केस उन पर किया है। आपको बता दें उन पर क्यों केस किया गया है, ये यूट्यूबर है जो कि 25 साल का है, सिविल इंजीनियर है और FF न्यूज़ नाम का इसका यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब ने अक्षय पर रिया चक्रवर्ती को कनाडा भेजने और वहाँ पर कनाडा में भगाने में मदद की है, ऐसा आरोप लगाया अक्षय कुमार पर। और इस यूट्यूबर पर आरोप लगा है कि इसने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी फर्जी वीडियो पोस्ट की। यूट्यूबर ने सुशांत की मौत का इस्तेमाल अपने फॉलोअर बढ़ाने और कमाई के लिए किया। इस मामले में पुलिस तब हरकत में आई जब शिवसेना के वकील धर्मेंद्र मिश्रा ने इस यूट्यूबर के खिलाफ केस फाइल किया। मई में इस यूट्यूबर की कमाई महज 296 रुपये थी, वहीं सितंबर में इसने 650,000 से ज्यादा की कमाई कर ली। कोर्ट ने सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देते हुए जांच में पुलिस का सहयोग करने के लिए कहा है। वहीं आपको बता दें मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्दीकी का दावा था कि अक्षय कुमार सुशांत सिंह राजपूत को MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मिलने के बाद से खुश नहीं थे। इस रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा कंटेंट चलाकर इस यूट्यूबर ने महज 4 महीने में 15 लाख रुपये की कमाई कर ली। तो अब इस यूट्यूबर पर 500 करोड़ की मानहानि का दावा किया है और ये यूट्यूबर अब फंस चुका है, इसीलिए फेक खबरें नहीं फैलानी चाहिए। चलिए मैं आपको बता दें सूर्यवंशी कब तक रिलीज, देखिए 2020 को इसे रिलीज होना था, पैंडेमिक के चलते नहीं हो पाई, अब 2021 में इसे रिलीज किया जाएगा और जो मंथ सेलेक्ट किया गया है वो है मार्च का मंथ और देखना होगा ये फिल्म तब रिलीज होगी या नहीं। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन 2021 में ये फिल्म रिलीज हो जाएगी क्योंकि बनकर पूरी तरह से तैयार। के स्टार्स की सैलरी, क्या रोहित शेट्टी ने इस फिल्म से तगड़ा पैसा कमाया है और रिलीज के बाद भी कमाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जोयाल। बात करेंगे सूर्यवंशी के स्टार्स की सैलरी जो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म है। फिलहाल सूर्यवंशी की बात करें, एक्शन थ्रिलर ये फिल्म है, ड्रामा दिखेगा। स्टार्स की बात करें और इससे पहले सैलरी की बात करेंगे तो हम प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें यश जौहर, करण जौहर, अरुणा भाटिया, रोहित शेट्टी, इन चारों ने मिलकर पैसा लगाया है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की बात करें तो बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉफिट में होने वाला है क्योंकि राइटर भी खुद है, स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है और डायरेक्टर भी खुद है, साथ ही पैसा भी खर्च किया है। तो सोचिए जब इस फिल्म की रिलीज होगी और कमाई आएगी तो कितना बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा रोहित शेट्टी का होने वाला है। रोहित शेट्टी ने इस फिल्म में 20 करोड़ का खर्चा किया है और प्रॉफिट का बराबर शेयर इन्हें मिलने वाला है, अच्छा खासा अमाउंट प्रॉफिट के बाद मिलने वाला है। वहीं आपको बता दें कैटरीना कैफ जो कि डॉक्टर अदिति सूर्यवंशी का किरदार करने वाली हैं, उन्होंने इस फिल्म के लिए 16 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। और एक वक्त ऐसा था जब कैटरीना कैफ हाईएस्ट पेड एक्टर थी बॉलीवुड की, लेकिन अभी ये जगह दीपिका पादुकोण ने ले ली है जो कि अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करती है। और प्रभास 21 के लिए कहा जा रहा है कि दीपिका ने बड़ा अमाउंट इस फिल्म के लिए साइन किया है, बहुत बड़े अमाउंट में उन्हें साइन किया गया है। वहीं आपको बता दें इसमें गुलशन ग्लोवर भी नजर आएंगे उस्मानी के किरदार में और उन्होंने इस फिल्म के लिए 1.25 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। जैकी श्रॉफ विलन के रोल में नजर आएंगे लश्कर खान और इनके साथ सूर्यवंशी यानी कि अक्षय कुमार की फाइट दिखाई जाएगी। जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए 3 करोड़ का बड़ा अमाउंट चार्ज किया है। वहीं निकितिन धीर इसमें नजर आएंगे गैंगस्टर के किरदार में और आपको
को अभिमन्यू सिंह नजर आएंगे जिन्होंने 0.75 करोड़ रुपए इस फिल्म के लिए चार्ज किए हैं। अब बात करते हैं फिल्म के दो बड़े बड़े सुपरस्टार की यानी कि सिम्बा और सिंघम। सिम्बा की बात करें और सिंघम की बात करें तो इस फिल्म के लिए उन्होंने बिल्कुल भी पैसा चार्ज नहीं किया है। दो दिन का शूट था तो कैमियो किया है। और आप सभी जानते हैं कि सिम्बा और सिंघम रोहित शेट्टी के बहुत अच्छे फैंस हैं और अजय देवगन और रोहित शेट्टी के तो बॉलीवुड में चर्चे हैं। इस वजह से इन दोनों ने फिल्म के लिए कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं किया है। आपको बता दें जैसे अक्षय कुमार ने सिम्बा में कैमियो किया था वैसे ही सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह अब सूर्यवंशी में कैमियो कर रहे हैं। बात कर लेते हैं खिलाड़ी कुमार की जो कि अपनी फिल्म सूर्यवंशी के लिए 50 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं जो कि एक बड़ा अमाउंट है। आपको बता दें इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट में बनाया गया है तो अगर अब इसे फायदा यानी मुनाफा कमाना है तो 150 करोड़ तो कमाने ही होंगे। और जिस तरह का बस इस फिल्म के लिए बना है तो सूर्यवंशी के लिए कहा जा रहा है कि 500 करोड़ का कलेक्शन ये फिल्म आराम से कर लेगी। वहीं मार की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो बेल बॉटम की शूटिंग के लिए ग्लासगो पहुंचे हैं और उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट बड़ी है। बच्चन पांडे, अतरंगी रे, पृथ्वीराज, कई फिल्में हैं। हेरा फेरी 3 की भी बात की जा रही है तो तमाम फिल्में हैं। फिलहाल आप बताइए सूर्यवंशी का आपको कितना इंतजार है नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए, टॉलीवुड, हॉलीवुड और फिल्मों की रिव्यूज के लिए, साथ ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी कब रिलीज होनी है? क्या थिएटर्स फिर से बंद कर दिए गए हैं मुंबई में? और वर्ल्ड वाइड थिएटर्स का क्या हाल है? कहाँ कहाँ सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं फिर से? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूँ सोनिका जयाल। सूर्यवंशी की कब से खबरें आ रही है, अब रिलीज हो रही है, तब रिलीज हो रही है, लेकिन एक बार फिर से इसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है। पहले नवम्बर या दिसम्बर की गई थी कि हम कर लेंगे रिलीज, लेकिन नहीं हो रही है। और ऐसे में सिनेमा घर भी बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कोई फिल्म जब रिलीज ही नहीं करना चाहता तो थिएटर्स किसके लिए खोले जाएंगे। ऊपर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी थिएटर्स बंद करने के लिए कह दिया है। 30 नवंबर तक बंद है थिएटर्स मुंबई में। और जो बॉलीवुड और सिनेमा की रीढ़ है मुंबई, अगर वहीं थिएटर्स नहीं खुलेंगे तो फिर फिल्में रिलीज होना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। सूर्यवंशी के लिए अच्छा खासा बज़ बना हुआ है इसके ट्रेलर से ही क्योंकि इसमें बहुत कुछ खास होने वाला है। इतना लंबा अच्छा खासा ट्रेलर था, एक्शन था और स्टार कास्ट में भी तगड़ी स्टार कास्ट थी। क्लाइमेक्स सीन में आपको अजय देवगन और सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं। कटरीना कैफ और अक्षय कुमार का इस समय बहुत ही ज्यादा हॉट एंड सेक्सी गाना होने वाला है। टिप टिप बरसा पानी का रिक्रिएशन होने वाला है तो बस तो होगा ही, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, थिएटर्स नहीं खुल रहे हैं, क्या पता ये भी OTT पे चली जाए। ऊपर से 83 को भी जो क्रिसमस रिलीज कहा जा रहा था वो भी रिलीज नहीं हो रही और अब 83 खिसक के जा चुकी है रिपब्लिक डे में। रिपब्लिक डे को रिलीज हो सकती है 83 और सूर्यवंशी 83 का क्लैश भी हो सकता है क्योंकि सूर्यवंशी भी रिपब्लिक डे की तरफ जाती हुई दिख रही है, अगर तब नहीं तो अप्रैल और बेल बॉटम आसपास ही इन्हें रिलीज किया जाना है। लेकिन सब कुछ अभी थिएटर्स में डिपेंड करता है जो दिसंबर तक भी नहीं लग रहा कि खुलेंगे। हाँ, भले कोरोना केसेस हमारे यहाँ बहुत कम हो चुके हैं और जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी थिएटर्स खोलने से परहेज किया जा रहा है। ऊपर से बंगाल में अभी देखा गया था कि अच्छी खासी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद मुंबई में फिलहाल थिएटर्स नहीं खोले जा रहे हैं। तमिलनाडु आगे आया है, तमिलनाडु ने गवर्नमेंट जो है 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खोल दिए हैं थिएटर्स। अब देखना होगा तमिल सिनेमा कितना आगे आता है और कितनी फिल्में रिलीज करता है। इस तरीके से जब धीरे धीरे लोग रिलीज करेंगे अपनी फिल्में तब जाके माहौल पता चलेगा कि लोग थिएटर्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे। वहीं ओवरसीज की बात करें तो यहाँ भी बुरा हाल है। यूके में एक बार फिर से लॉकडाउन हो चुका है, बहुत बुरी मार पड़ी है, थिएटर्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं। यूरोप, मलेशिया में भी बंद हो चुका है, मलेशिया के जो थिएटर्स हैं वहाँ भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और वहाँ 2 नवंबर से 30 नवंबर तक ये थिएटर्स बंद रहेंगे। वहीं मुंबई में भी 30 नवंबर तक थिएटर्स को बंद कर दिया गया है, यानी कि फिलहाल सूर्यवंशी के आने की तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है। इस साल तो नहीं लग रही कि कोई नई फिल्म थिएटर में आएगी क्योंकि सब डरे
डरे हुए हैं कि लोग अभी आएंगे या नहीं आएंगे। दिवाली भी इस बार हमारी सूखी सूखी जाएगी, लेकिन हाँ दिवाली में लक्ष्मी जरूर आने वाली है। और उसके बाद बुज द प्राइड ऑफ इंडिया और द बिग बुल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, तो लक्ष्मी तो आने वाली है। अक्षय कुमार के जिसका लक्ष्मी बॉम्ब से चेंज करके अब लक्ष्मी रख दिया है नाम, क्योंकि जो हमारी गॉडेस है लक्ष्मी, उनको कहा गया कि हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, बॉम्ब नहीं यूज करना चाहिए, इस वजह से अब लक्ष्मी बॉम्ब का नाम लक्ष्मी कर दिया गया है। तो अक्षय कुमार दिवाली पे तो आ ही रहे हैं, लेकिन सूर्यवंशी कब तक आती है इसका अनुमान लगाया जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। आपको सूर्यवंशी और लक्ष्मी का कितना इंतजार है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कि आप चाहते हैं थिएटर्स जल्द से जल्द खुले, कि आप जाएंगे थिएटर्स में कोरोना का ये खतरा मोल लेके, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।